फिल्मों के शौकीनों को श्रीराम का बेहतरीन तोहफा कैटरीना विजय की दमदार जुगल बिंदी। रात जितनी हसीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी। किसी फिल्म के पोस्टर पर ये लाइन पढ़ने और पोस्टर पर कैटरीना कैफ जैसी खूबसूरत महिला की तस्वीर देखने के बाद भी अगर साथ में निर्देशक श्री राम राघवन लिखा हो तो दर्शक फिल्म को लेकर कोई ख्याल पकाना भी चाहे तो नहीं पका सकता। यही श्री राम का सिनेमा है। फिल्म इफ्तार में निर्देशक मुकुलानंद के सहायक के तौर पर शुरू हुआ उनका फिल्म सफर अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां उनकी फिल्मों के लिए दर्शक दम साथ कर इंतजार करते हैं। श्रीराम की पिछली फिल्म अंधाधुन को रिलीज हुए 5 साल हुए हैं। इसे बनाने वाली कंपनी वायकॉम 18 ने उससे पैसे भी अंधाधुन कमाए हैं और अब बारी टिप्स म्यूजिक कंपनी की है। रमेश तेरानी के लिए ये फिल्म उनकी कंपनी की नई ब्रांडिंग है। टिप्स की पिछली फिल्में रेस 3, भूत पुलिस और गैसलाइट रही है। उनका हाल सबको पता है। ताजा हाल ये है कि मैरी क्रिसमस के सिनेमाघरों तक पहुंचने से पहले ही टिप्स के शेयरों में 5% से ज्यादा का उछाल बीते दिन दर्ज किया गया है। श्री राम राघवन की फिल्में अगर ध्यान से देखेंगे तो उनकी फिल्मों की कहानी का केंद्र बिंदु हमेशा से एक महिला ही रही है। हीरो फिल्म की कहानी की सजावट के तौर पर इस्तेमाल होता है। यहाँ भी वैसा ही कुछ है। कैटरीना कैफ और श्री राम राघवन ने उनके अब तक के बेहतरीन किरदार में पेश किया गया है। मारिया का ये किरदार कैटरीना के लिए उनकी शादी के बाद की दूसरी पारी का वो स्प्रिंग बोर्ड है जिस पर से छलांग लगाकर अब वो अभी भी कुछ साल और तैर सकती है। फिल्म मेरी क्रिसमस सस्पेंस के शौकीनों की फिल्म है। मसाला इसमें भी भरपूर है लेकिन ये डिश बन मस्का जैसी है। इसका असली मजा ईरानी चाय के साथ ही लिया जा सकता है। मुंबई जब बम्बई हुआ करता था वाले दिनों की इस कहानी में मोबाइल नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है और अपराध परी भी नहीं है। एक महीने भर की प्लानिंग से होने वाला मर्डर है और दूसरा बस फटाक से हो गया कत्ल। दोनों का सूत्र एक ही है। दोनों जगह मामला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी है। श्रीराम और उनकी लेखन टीम ने सब कुछ हाथ से बुने गए स्वेटर जैसा गढ़ा है और इसकी कढ़ाई भी बहुत ही नफीस रखी है। बतौर निर्देशक श्रीराम राघवन फिल्म दर फिल्म महकते जा रहे हैं। पुरानी वाइन की तरह पूजा लाटा सोरती उनके इस सफर की परमानेंट हम सफर है। एक एडिटर और एक डायरेक्टर की इससे बेहतरीन जोड़ी शायद ही बिमल राय और ऋषिकेश मुखर्जी की ही रही होगी। सिनेमाघर ना क्या होता है ये श्रीराम राघवन से फिल्म स्कूल के बच्चे सीखते हैं। उनका सपना होता है मुंबई आने पर उनसे मिल भर लेने का और श्रीराम मिलते हैं तो कतई फिल्मी नहीं लगते। फिल्मी सितारों के इंटरव्यू करते करते वो फिल्ममेकर बने हैं। उनके हर फ्रेम में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो एक आम फिल्म दर्शकों को नजर नहीं आता लेकिन जो गुनी दर्शक है वो इसे पकड़ लेते हैं। 7 साल बाद जेल से छूटे शख्स की पहले आजाद रात की ये कहानी है और सुबह होते ही ये एक रात की प्रेम कहानी में तब्दील हो जाती है। पता नहीं पहली बार प्रपोज करने के लिए खरीदी गई एल्बर्ट की अंगूठी अभिशप्त है या फिर उसकी किस्मत ही खराब है लेकिन नियति को उसने स्वीकार कर लिया है। फिल्म मेरी क्रिसमस लोग देखने आएंगे विजय सेनापति की वजह से लेकिन जब फिल्म देखकर निकलेंगे तो याद रह जाएंगी कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ से श्रीराम राघवन ने उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ अभिनय करवाया है। अपने बॉयफ्रेंड के दोस्त से शादी करने वाली मारिया का ये किरदार एक माँ की लाचारी से उपजा है और अपनी बच्ची को अपने ही पति से बचाने की कोशिश में वो जो कुछ कर गुजरती है उसको देखकर दर्शक उसके साथ हो लेता है। कातिल ये यहाँ घृणा नहीं होने पाती और यही वजह है सेनापति के किरदार एल्बर्ट को रोजी से मारिया तक ले जाता है और दोनों के बीच का सामंजस्य फिल्म की अंतरधारा है। और फिल्म के क्लाइमैक्स में एल्बर्ट जो मारिया को अंगूठी पहनाने के बाद पुलिस थाने में ही समर्पण के अंदाज में बेंच पर जाकर बैठ जाता है तो उस दृश्य की कसक उन सारे दर्शकों को भीतर तक महसूस होगी जिन्होंने प्रेम का असली अर्थ जीवन में समझा है। तत् सुखे सुखे त्वत् और विजय सेनापति के अभिनय की यही जीत है। कहने को फिल्म मेरी क्रिसमस 2 घंटे 14 मिनट की एक सस्पेंस थ्रिलर है लेकिन एक निर्जीव टेडी बियर को लेकर भी एल्बर्ट के संवाद फिल्म में ठहकाने लगने के भी मौके तलाश लेती है।
फिल्म के वन लाइनर बहुत ही शानदार लिखे गए हैं। पूरी फिल्म एक रात की कहानी है, लिहाजा दर्शकों को ये आखिर तक बांधे रखती है। इसमें इसकी पटकथा और संपादन दोनों की जीत है। कलामतक निर्देशक चुस्त पटकथा सामान्य से सुनाई देने वाले लेकिन गहरे अर्थ वाले संवाद, कैटरीना और विजय का शानदार अभिनय और साथ में अरिजीत और पापन की स्वर लहरिया फिल्मों को सिनेमाई आनंद देने वाली कहानी बना देते हैं। फिल्म के सहायक कलाकारों में बच्ची बनी परी और पुलिस अफसरों के किरदार में विनय पाठक और प्रतिमा कन्नन, कैटरिंग कारोबारी बने संजय कपूर और उनकी पत्नी के किरदार में अश्विनी कलसेकर ने बहुत बढ़िया काम किया है। और हाँ, राधिका आप्टे भी तो है। रोजी का उनका किरदार बहुत ही थोड़ी देर का है लेकिन असल कैटलिस्ट फिल्म का वही तो है। राधिका ये मार्क पे, राधिका राधिका आइए, लुक सेंटर, लुक सेंटर मैदान बाहर से देख रहे हैं, बाहर से बड़ा फोटो, बड़ा फोटो, बड़ा हाँ, कौन सा बड़ा फोटो भाई, हाँ कौन सा बड़ा फोटो, बाहर से कौन है, जानवी, थैंक यू, थैंक यू धन्य दोनों, ए आना पीछे, अनन्या कम इधर जी, नेक्स्ट मार, अरे वेट वेट, लुक सेंटर, अनन्या होल्ड, अनन्या होल्ड, पांडे जी राइट साइड, पांडे जी वेट, यस यस टाइम, वेट वेट आदि वेट, पीछे पीछे पीछे, अच्छा पीछा, अरे बाप रे भाई, इधर भी भाई, अभी आने मार, कौन भाई, और भाई हाँ नाम बताओ, जा रहे हैं थैंक यू भाई, आ जाओ सेकंड मार्क, नेक्स्ट मार्क, सेकंड मार्क, नेक्स्ट मार्क, लुक सेंटर, अरे मार्क उधर है, यहाँ पे मैम ये वाला कैमरा में है, ले ले भाई, मैम ये
जारा यहाँ पे, जारा मैम यहाँ पे, यहाँ पे डायरेक्टर नंबर वन दया नहीं भी अभिजीत, अभिजीत सर, अभिजीत सर कुछ तो गड़बड़ है, दया किधर, वो घर पे बहुत आगे भाई, अपना दोस्त बहुत आगे है। तू बातें करते रहो पूरा गेम खत्म हो जाएगा, तू भी अलग ही नमूना है। अरे यहाँ पे सर, ये मार्क में पहले यहाँ पे फिर वहाँ पे, आइए सर आप मार्क पे आइए, थैंक यू। सर ये मार्क पे आइए ना सर, अरे राजा भाई, अरे उसको घुमाना तेरे को 10 बार, ओ भाई साहब, ओ कहीं जगह ढूंढ लो यार, एक जगह फिक्स कर लो। थैंक यू, नेक्स्ट मार्क कम सलोनी, मैम यहाँ पे सलोनी, यहाँ पे दुर्गेश संजय आ रहा है, उसको बोलना तेरे क्लाइंट का फोटो नहीं मारो, ऐसा बोलना अरुण, नेक्स्ट मार्क वो संजय है, उसको बोल तेरे क्लाइंट को इधर लेके मत आ, बैठ 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 यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे तेरे क्लाइंट का फोटो नहीं मार रहा है, अरे बाबू ये ड्रॉप में है कोई भी, अभी उसका क्लाइंट कहाँ से लेगा, अभी ड्रॉप में है, अभी ड्रॉप में है, अरे हिला मत, आँखों में गिरते कैसे बच्चे करे, प्लेन से गया उधर। शौकीनों को श्रीराम का बेहतरीन तोहफा, कैटरीना विजय की दमदार जुगलबंदी, रात जितनी हसीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी, किसी फिल्म के पोस्टर पर ये लाइन पढ़ने और पोस्टर पर कैटरीना कैफ जैसी खूबसूरत महिला की तस्वीर देखने के बाद भी अगर साथ में निर्देशक श्रीराम राघवन लिखा हो तो दर्शक फिल्म को लेकर कोई ख्याल पकाना भी चाहे तो नहीं पका सकता, यही श्रीराम का सिनेमा है। फिल्म इफ्तार में निर्देशक मुकुल आनंद के सहायक के तौर पर शुरू हुआ उनका फिल्म सफर अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां उनकी फिल्मों के लिए दर्शक दम साथ कर इंतजार करते हैं। श्रीराम की पिछली फिल्म अंधाधुन को रिलीज हुए 5 साल हुए हैं। इसे बनाने वाली कंपनी वायकॉम 18 ने उससे पैसे भी अंधाधुन कमाए हैं और अब बारी टिप्स म्यूजिक कंपनी की है। रमेश तेरानी के लिए ये फिल्म उनकी कंपनी की नई ब्रांडिंग है। टिप्स की पिछली फिल्में रेस 3, भूत पुलिस और
गैसलाइट रही है, उनका हाल सबको पता है। ताज़ा हाल ये है कि मैरी क्रिसमस के सिनेमाघरों तक पहुंचने से पहले ही टिप्स के शेयरों में 5% से ज्यादा का उछाल बीते दिन दर्ज किया गया है। श्रीराम राघवन की फिल्म में अगर ध्यान से देखेंगे तो उनकी फिल्मों की कहानी का केंद्र बिंदु हमेशा से एक महिला ही रही है। हीरो फिल्म की कहानी की सजावट के तौर पर इस्तेमाल होता है, यहाँ भी वैसा ही कुछ है। कैटरीना कैफ और श्रीराम राघवन ने उनके अब तक के बेहतरीन किरदार में पेश किया गया है। मारिया का ये किरदार कैटरीना के लिए उनकी शादी के बाद की दूसरी पारी का वो स्प्रिंग बोर्ड है जिस पर से छलांग लगाकर अब वो अभी भी कुछ साल और तैर सकती है। फिल्म मेरी क्रिसमस सस्पेंस के शौकीनों की फिल्म है। मसाला इसमें भी भरपूर है, लेकिन ये डिश बन मस्का जैसी है। इसका असली मजा ईरानी चाय के साथ ही लिया जा सकता है। मुंबई जब बम्बई हुआ करता था वाले दिनों की इस कहानी में मोबाइल नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है और अपराध परी भी नहीं है। एक महीने भर की प्लानिंग से होने वाला मर्डर है और दूसरा बस फटाक से हो गया कत्ल। दोनों का सूत्र एक ही है, दोनों जगह मामला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी है। श्रीराम और उनकी लेखन टीम ने सब कुछ हाथ से बुने गए स्वेटर जैसा गढ़ा है और इसकी कड़ाई भी बहुत ही नफीस रखी है। बतौर निर्देशक श्रीराम राघवन फिल्म दर फिल्म महकते जा रहे हैं। पुरानी वाइन की तरह पूजा लाटा सोरती उनके इस सफर की परमानेंट हम सफर है। एक एडिटर और एक डायरेक्टर की इससे बेहतरीन जोड़ी शायद ही बिमल राय और ऋषिकेश मुखर्जी की ही रही होगी। सिनेमाघर ना क्या होता है ये श्रीराम राघवन से फिल्म स्कूल के बच्चे सीखते हैं। उनका सपना होता है मुंबई आने पर उनसे मिल भर लेने का, और श्रीराम मिलते हैं तो कतई फिल्मी नहीं लगते। फिल्मी सितारों के इंटरव्यू करते करते वो फिल्म मेकर बने हैं। उनके हर फ्रेम में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो एक आम फिल्म दर्शकों को नजर नहीं आता, लेकिन जो गुनी दर्शक है वो इसे पकड़ लेते हैं। 7 साल बाद जेल से छूटे शख्स की पहले आजाद रात की ये कहानी है, और सुबह होते ही ये एक रात की प्रेम कहानी में तब्दील हो जाती है। पता नहीं पहली बार प्रपोज करने के लिए खरीदी गई एल्बर्ट की अंगूठी अभिशप्त है या फिर उसकी किस्मत ही खराब है, लेकिन नियति को उसने स्वीकार कर लिया है। फिल्म मेरी क्रिसमस लोग देखने आएंगे विजय सेनापति की वजह से, लेकिन जब फिल्म देखकर निकलेंगे तो याद रह जाएंगी कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ से श्रीराम राघवन ने उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ अभिनय करवाया है। अपने बॉयफ्रेंड के दोस्त से शादी करने वाली मारिया का ये किरदार एक माँ की लाचारी से उपजा है, और अपनी बच्ची को अपने ही पति से बचाने की कोशिश में वो जो कुछ कर गुजरती है उसको देख कर दर्शक उसके साथ हो लेता है। कातिल ये यहाँ घृणा नहीं होने पाती, और यही वजह है सेनापति के किरदार एल्बर्ट को रोजी से मारिया तक ले जाता है, और दोनों के बीच का सामंजस्य फिल्म की अंतरधारा है। और फिल्म के क्लाइमैक्स में एल्बर्ट जो मारिया को अंगूठी पहनाने के बाद पुलिस थाने में ही समर्पण के अंदाज में बेंच पर जाकर बैठ जाता है, तो उस दृश्य की कसक उन सारे दर्शकों को भीतर तक महसूस होगी जिन्होंने प्रेम का असली अर्थ जीवन में समझा है। तत् सुखे सुखे त्वत् और विजय सेनापति के अभिनय की यही जीत है। कहने को फिल्म मेरी क्रिसमस 2 घंटे 14 मिनट की एक सस्पेंस थ्रिलर है, लेकिन एक निर्जीव टेडी बियर को लेकर भी एल्बर्ट के संवाद फिल्म में ठहकाने लगने के भी मौके तलाश लेती है। फिल्म के वन लाइनर बहुत ही शानदार लिखे गए हैं। पूरी फिल्म एक रात की कहानी है, लिहाजा दर्शकों को ये आखिर तक बांधे रखती है। इसमें इसकी पटकथा और संपादन दोनों की जीत है। कलामतक निर्देशक चुस्त पटकथा सामान्य से सुनाई देने वाले लेकिन गहरे अर्थ वाले संवाद, कैटरीना और विजय का शानदार अभिनय और साथ में अरिजीत और पापन की स्वर लहरिया फिल्मों को सिनेमाई आनंद देने वाली कहानी बना देते हैं। फिल्म के सहायक कलाकारों में बच्ची बनी परी और पुलिस अफसरों के किरदार में विनय पाठक और प्रतिमा कन्नन, कैटरिंग कारोबारी बने संजय कपूर और उनकी पत्नी के किरदार में अश्विनी कलसेकर ने बहुत बढ़िया काम किया है, और हाँ राधिका आप्टे भी तो है। रोजी का उनका किरदार बहुत ही थोड़ी देर का है, लेकिन असल कैटलिस्ट फिल्म का वही तो है। सस्पेंस फिल्मों के शौकीनों को श्रीराम का बेहतरीन तोहफा, कैटरीना विजय की दमदार जुगलबंदी।
रात जितनी हसीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी। किसी फिल्म के पोस्टर पर ये लाइन पढ़ने और पोस्टर पर कैटरीना कैफ जैसी खूबसूरत महिला की तस्वीर देखने के बाद भी अगर साथ में निर्देशक श्रीराम राघवन लिखा हो तो दर्शक फिल्म को लेकर कोई ख्याल पकाना भी चाहे तो नहीं पका सकता। यही श्रीराम का सिनेमा है। फिल्म इफ्तार में निर्देशक मुकुल आनंद के सहायक के तौर पर शुरू हुआ उनका फिल्म सफर अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां उनकी फिल्मों के लिए दर्शक दम साथ कर इंतजार करते हैं। श्रीराम की पिछली फिल्म अंधाधुन को रिलीज हुए 5 साल हुए हैं। इसे बनाने वाली कंपनी वायकॉम 18 ने उससे पैसे भी अंधाधुन कमाए हैं और अब बारी टिप्स म्यूजिक कंपनी की है। रमेश तेरानी के लिए ये फिल्म उनकी कंपनी की नई ब्रांडिंग है। टिप्स की पिछली फिल्में रेस 3, भूत पुलिस और गैसलाइट रही है। उनका हाल सबको पता है। ताजा हाल ये है कि मैरी क्रिसमस के सिनेमाघरों तक पहुंचने से पहले ही टिप्स के शेयरों में 5% से ज्यादा का उछाल बीते दिन दर्ज किया गया है। श्रीराम राघवन की फिल्में अगर ध्यान से देखेंगे तो उनकी फिल्मों की कहानी का केंद्र बिंदु हमेशा से एक महिला ही रही है। हीरो फिल्म की कहानी की सजावट के तौर पर इस्तेमाल होता है। यहाँ भी वैसा ही कुछ है। कैटरीना कैफ और श्रीराम राघवन ने उनके अब तक के बेहतरीन किरदार में पेश किया गया है। मारिया का ये किरदार कैटरीना के लिए उनकी शादी के बाद की दूसरी पारी का वो स्प्रिंग बोर्ड है जिस पर से छलांग लगाकर अब वो अभी भी कुछ साल और तैर सकती है। फिल्म मेरी क्रिसमस सस्पेंस के शौकीनों की फिल्म है। मसाला इसमें भी भरपूर है लेकिन ये डिश बन मस्का जैसी है। इसका असली मजा ईरानी चाय के साथ ही लिया जा सकता है। मुंबई जब बम्बई हुआ करता था वाले दिनों की इस कहानी में मोबाइल नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है और अपराध परी भी नहीं है। एक महीने भर की प्लानिंग से होने वाला मर्डर है और दूसरा बस फटाक से हो गया कत्ल। दोनों का सूत्र एक ही है। दोनों जगह मामला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी है। श्रीराम और उनकी लेखन टीम ने सब कुछ हाथ से बुने गए स्वेटर जैसा गढ़ा है और इसकी कढ़ाई भी बहुत ही नफीस रखी है। बतौर निर्देशक श्रीराम राघवन फिल्म दर फिल्म महकते जा रहे हैं। पुरानी वाइन की तरह पूजा लाटा सोरती उनके इस सफर की परमानेंट हम सफर है। एक एडिटर और एक डायरेक्टर की इससे बेहतरीन जोड़ी शायद ही बिमल राय और ऋषिकेश मुखर्जी की ही रही होगी। सिनेमाघर ना क्या होता है ये श्रीराम राघवन से फिल्म स्कूल के बच्चे सीखते हैं। उनका सपना होता है मुंबई आने पर उनसे मिल भर लेने का और श्रीराम मिलते हैं तो कतई फिल्मी नहीं लगते। फिल्मी सितारों के इंटरव्यू करते करते वो फिल्ममेकर बने हैं। उनके हर फ्रेम में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो एक आम फिल्म दर्शकों को नजर नहीं आता लेकिन जो गुनी दर्शक है वो इसे पकड़ लेते हैं। 7 साल बाद जेल से छूटे शख्स की पहले आजाद रात की ये कहानी है और सुबह होते ही ये एक रात की प्रेम कहानी में तब्दील हो जाती है। पता नहीं पहली बार प्रपोज करने के लिए खरीदी गई एल्बर्ट की अंगूठी अभिशप्त है या फिर उसकी किस्मत ही खराब है लेकिन नियति को उसने स्वीकार कर लिया है। फिल्म मेरी क्रिसमस लोग देखने आएंगे विजय सेनापति की वजह से लेकिन जब फिल्म देखकर निकलेंगे तो याद रह जाएंगी कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ से श्रीराम राघवन ने उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ अभिनय करवाया है। अपने बॉयफ्रेंड के दोस्त से शादी करने वाली मारिया का ये किरदार एक माँ की लाचारी से उपजा है और अपनी बच्ची को अपने ही पति से बचाने की कोशिश में वो जो कुछ कर गुजरती है उसको देख कर दर्शक उसके साथ हो लेता है। कातिल ये यहाँ घृणा नहीं होने पाती और यही वजह है सेनापति के किरदार एल्बर्ट को रोजी से मारिया तक ले जाता है और दोनों के बीच का सामंजस्य फिल्म की अंतरधारा है। और फिल्म के क्लाइमैक्स में एल्बर्ट जो मारिया को अंगूठी पहनाने के बाद पुलिस थाने में ही समर्पण के अंदाज में बेंच पर जाकर बैठ जाता है तो उस दृश्य की कसक उन सारे दर्शकों को भीतर तक महसूस होगी जिन्होंने प्रेम का असली अर्थ जीवन में समझा है। तत् सुखे सुखित्वत् और विजय सेनापति के अभिनय की यही जीत है। कहने को फिल्म मेरी क्रिसमस 2 घंटे 14 मिनट की एक सस्पेंस थ्रिलर है लेकिन एक निर्जीव टेडी बेयर को लेकर भी एल्बर्ट के संवाद फिल्म में ठहकाने लगने के भी मौके तलाश लेती है।
फिल्म के वन लाइनर बहुत ही शानदार लिखे गए हैं। पूरी फिल्म एक रात की कहानी है, लिहाजा दर्शकों को ये आखिर तक बांधे रखती है। इसमें इसकी पटकथा और संपादन दोनों की जीत है। कलात्मक निर्देशक चुस्त पटकथा, सामान्य से सुनाई देने वाले लेकिन गहरे अर्थ वाले संवाद, कैटरीना और विजय का शानदार अभिनय और साथ में अरिजीत और पापन की स्वर लहरिया फिल्मों को सिनेमाई आनंद देने वाली कहानी बना देते हैं। फिल्म के सहायक कलाकारों में बच्ची बनी परी और पुलिस अफसरों के किरदार में विनय पाठक और प्रतिमा कर्णन, कैटरिंग कारोबारी बने संजय कपूर और उनकी पत्नी के किरदार में अश्विनी कलसेकर ने बहुत बढ़िया काम किया है। और हाँ, राधिका आप्टे भी तो है। रोजी का उनका किरदार बहुत ही थोड़ी देर का है, लेकिन असल कैटलिस्ट फिल्म का वही तो है। सर यहाँ पे ये वाला पापा मैं भी जाऊंगा सर, ये माय न्यू लुक पापा मैं भी जाऊंगा सर, ये वाला कैमरा नील लिया मैडम, व्हाट सॉरी कौन है नंबर तो ताकि का भाई दुर्गेश का क्लाइंट है, हमारा क्लाइंट नहीं है वो। अल्लाह बता बाहुआ है और नाम बोलना आलोक शाह राकेश आया नाम तुम अलग अलग क्यों खड़े हो? क्लोज बोलो, कम क्लोज सोलो नहीं चल रहा राइट साइड लुक सेंटर ओके डन आ जाओ साथ में।
काम खराब करते हुए लुक सेंटर विशाल मार्ग पर विशाल लुक सेंटर लुक सेंटर लुक सेंटर ब्रो ब्रो जगह पकड़ने का टाइम विशाल विशाल ऊपर इधर बालकनी इधर से करना दूसरा देखो सब तैयार है ना ओके डन ये भाई क्यों सर ये वहां पे आइए लुक सेंटर लुक सेंटर मेन पार्टी सब यहाँ से ही आने वाला है सस्पेंस फिल्मों के शौकीनों को श्रीराम का बेहतरीन तोहफा कैटरीना विजय की दमदार जुगलबंदी रात जितनी हसीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी किसी फिल्म के पोस्टर पर ये लाइन पढ़ने और पोस्टर पर कैटरीना कैफ जैसी खूबसूरत महिला की तस्वीर देखने के बाद भी अगर साथ में निर्देशक श्री राम राघवन लिखा हो तो दर्शक फिल्म को लेकर कोई ख्याल पकाना भी चाहे तो नहीं पका सकता यही श्री राम का सिनेमा है। फिल्म अवतार में निर्देशक मुकुल आनंद के सहायक के तौर पर शुरू हुआ उनका फिल्म सफर अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां उनकी फिल्मों के लिए दर्शक दम साथ कर इंतजार करते हैं। श्रीराम की पिछली फिल्म अंधाधुन को रिलीज हुए 5 साल हुए हैं। इसे बनाने वाली कंपनी वायकॉम 18 ने उससे पैसे भी अंधाधुन कमाए हैं और अब बारी टिप्स म्यूजिक कंपनी की है। रमेश तेरानी के लिए ये फिल्म उनकी कंपनी की नई ब्रांडिंग है। टिप्स की पिछली फिल्में रेस 3 भूत पुलिस और गैस लाइट रही है उनका हाल सबको पता है। ताजा हाल ये है कि मैरी क्रिसमस के सिनेमाघरों तक पहुंचने से पहले ही टिप्स के
शेयरों में 5% से ज्यादा का उछाल बीते दिन दर्ज किया गया है। श्रीराम राघवन की फिल्में अगर ध्यान से देखेंगे तो उनकी फिल्मों की कहानी का केंद्र बिंदु हमेशा से एक महिला ही रही है। हीरो फिल्म की कहानी की सजावट के तौर पर इस्तेमाल होता है, यहाँ भी वैसा ही कुछ है। कैटरीना कैफ और श्रीराम राघवन ने उनके अब तक के बेहतरीन किरदार में पेश किया गया है। मारिया का ये किरदार कैटरीना के लिए उनकी शादी के बाद की दूसरी पारी का वो स्प्रिंग बोर्ड है जिस पर से छलांग लगाकर अब वो अभी भी कुछ साल और तैर सकती है। फिल्म मेरी क्रिसमस सस्पेंस के शौकीनों की फिल्म है। मसाला इसमें भी भरपूर है लेकिन ये डिश बन मस्का जैसी है। इसका असली मजा ईरानी चाय के साथ ही लिया जा सकता है। मुंबई जब बम्बई हुआ करता था वाले दिनों की इस कहानी में मोबाइल नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है और अफरात फरी भी नहीं है। एक महीने भर की प्लानिंग से होने वाला मर्डर है और दूसरा बस फटाक से हो गया कत्ल। दोनों का सूत्र एक ही है, दोनों जगह मामला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी है। श्रीराम और उनकी लेखन टीम ने सब कुछ हाथ से बुने गए स्वेटर जैसा गढ़ा है और इसकी कढ़ाई भी बहुत ही नफीस रखी है। बतौर निर्देशक श्रीराम राघवन फिल्म दर फिल्म महकते जा रहे हैं। पुरानी वाइन की तरह पूजा लाटा सोरती उनके इस सफर की परमानेंट हम सफर है। एक एडिटर और एक डायरेक्टर की इससे बेहतरीन जोड़ी शायद ही बिमल राय और ऋषिकेश मुखर्जी की ही रही होगी। सिनेमाघर ना क्या होता है ये श्रीराम राघवन से फिल्म स्कूल के बच्चे सीखते हैं। उनका सपना होता है मुंबई आने पर उनसे मिल भर लेने का और श्रीराम मिलते हैं तो कतई फिल्मी नहीं लगते। फिल्मी सितारों के इंटरव्यू करते करते वो फिल्म मेकर बने हैं। उनके हर फ्रेम में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो एक आम फिल्म दर्शकों को नजर नहीं आता लेकिन जो गुणी दर्शक है वो इसे पकड़ लेते हैं। 7 साल बाद जेल से छूटे शख्स की पहले आजाद रात की ये कहानी है और सुबह होते ही ये एक रात की प्रेम कहानी में तब्दील हो जाती है। पता नहीं पहली बार प्रपोज करने के लिए खरीदी गई एल्बर्ट की अंगूठी अभिशप्त है या फिर उसकी किस्मत ही खराब है लेकिन नियति को उसने स्वीकार कर लिया है। फिल्म मेरी क्रिसमस लोग देखने आएंगे विजय सेनापति की वजह से लेकिन जब फिल्म देखकर निकलेंगे तो याद रह जाएंगी कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ से श्रीराम राघवन ने उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ अभिनय करवाया है। अपने बॉयफ्रेंड के दोस्त से शादी करने वाली मारिया का ये किरदार एक माँ की लाचारी से उपजा है और अपनी बच्ची को अपने ही पति से बचाने की कोशिश में वो जो कुछ कर गुजरती है उसको देख कर दर्शक उसके साथ हो लेता है। कातिल ये यहाँ घृणा नहीं होने पाती और यही वजह है सेनापति के किरदार एल्बर्ट को रोजी से मारिया तक ले जाता है और दोनों के बीच का सामंजस्य फिल्म की अंतरधारा है। और फिल्म के क्लाइमैक्स में एल्बर्ट जो मारिया को अंगूठी पहनाने के बाद पुलिस थाने में ही समर्पण के अंदाज में बेंच पर जाकर बैठ जाता है तो उस दृश्य की कसक उन सारे दर्शकों को भीतर तक महसूस होगी जिन्होंने प्रेम का असली अर्थ जीवन में समझा है। तत् सुखे सुखे त्वत् और विजय सेनापति के अभिनय की यही जीत है। कहने को फिल्म मेरी क्रिसमस 2 घंटे 14 मिनट की एक सस्पेंस थ्रिलर है लेकिन एक निर्जीव टेडी बियर को लेकर भी एल्बर्ट के संवाद फिल्म में ठहकाने लगने के भी मौके तलाश लेती है। फिल्म के वन लाइनर बहुत ही शानदार लिखे गए हैं। पूरी फिल्म एक रात की कहानी है लिहाजा दर्शकों को ये आखिर तक बांधे रखती है। इसमें इसकी पटकथा और संपादन दोनों की जीत है। कलामतक निर्देशक जिस पटकथा सामान्य से सुनाई देने वाले लेकिन गहरे अर्थ वाले संवाद कैटरीना और विजय का शानदार अभिनय और साथ में अरिजीत और पापन की स्वर लहरिया फिल्मों को सिनेमाई आनंद देने वाली कहानी बना देते हैं। फिल्म के सहायक कलाकारों में बच्ची बनी परी और पुलिस अफसरों के किरदार में विनय पाठक और प्रतिमा कन्नन कैटरिंग कारोबारी बने संजय कपूर और उनकी पत्नी के किरदार में अश्विनी कलसेकर ने बहुत बढ़िया काम किया है। और हाँ राधिका आप्टे भी तो है। रोजी का उनका किरदार बहुत ही थोड़ी देर का है लेकिन असल कैटलिस्ट फिल्म का वही तो है। सस्पेंस फिल्मों के शौकीनों को श्रीराम का बेहतरीन तोहफा कैटरीना विजय की दमदार जुगलबंदी। रात जितनी हसीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी। किसी फिल्म के पोस्टर पर ये लाइन पढ़ने और पोस्टर पर कैटरीना कैफ जैसी खूबसूरत महिला की तस्वीर देखने के बाद भी अगर साथ में निर्देशक
श्री राम राघवन लिखा हो तो दर्शक फिल्म को लेकर कोई ख्याल पकाना भी चाहे तो नहीं पका सकता। यही श्री राम का सिनेमा है। फिल्म अवतार में निर्देशक मुकुल आनंद के सहायक के तौर पर शुरू हुआ उनका फिल्म सफर अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां उनकी फिल्मों के लिए दर्शक दम साथ कर इंतजार करते हैं। श्रीराम की पिछली फिल्म अंधाधुन को रिलीज हुए 5 साल हुए हैं। इसे बनाने वाली कंपनी वायकॉम 18 ने उससे पैसे भी अंधाधुन कमाए हैं और अब बारी टिप्स म्यूजिक कंपनी की है। रमेश तेरानी के लिए ये फिल्म उनकी कंपनी की नई ब्रांडिंग है। टिप्स की पिछली फिल्में रेस 3, भूत पुलिस और गैसलाइट रही है। उनका हाल सबको पता है। ताजा हाल ये है कि मैरी क्रिसमस के सिनेमाघरों तक पहुंचने से पहले ही टिप्स के शेयरों में 5% से ज्यादा का उछाल बीते दिन दर्ज किया गया है। श्री राम राघवन की फिल्में अगर ध्यान से देखेंगे तो उनकी फिल्मों की कहानी का केंद्र बिंदु हमेशा से एक महिला ही रही है। हीरो फिल्म की कहानी की सजावट के तौर पर इस्तेमाल होता है। यहाँ भी वैसा ही कुछ है। कैटरीना कैफ और श्री राम राघवन ने उनके अब तक के बेहतरीन किरदार में पेश किया गया है। मारिया का ये किरदार कैटरीना के लिए उनकी शादी के बाद की दूसरी पारी का वो स्प्रिंग बोर्ड है जिस पर से छलांग लगाकर अब वो अभी भी कुछ साल और तैर सकती है। फिल्म मेरी क्रिसमस सस्पेंस के शौकीनों की फिल्म है। मसाला इसमें भी भरपूर है लेकिन ये डिश बन मस्का जैसी है। इसका असली मजा ईरानी चाय के साथ ही लिया जा सकता है। मुंबई जब बम्बई हुआ करता था वाले दिनों की इस कहानी में मोबाइल नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है और अपराध परी भी नहीं है। एक महीने भर की प्लानिंग से होने वाला मर्डर है और दूसरा बस फटाक से हो गया कत्ल। दोनों का सूत्र एक ही है। दोनों जगह मामला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी है। श्रीराम और उनकी लेखन टीम ने सब कुछ हाथ से बुने गए स्वेटर जैसा गढ़ा है और इसकी कढ़ाई भी बहुत ही नफीस रखी है। बतौर निर्देशक श्रीराम राघवन फिल्म दर फिल्म महकते जा रहे हैं। पुरानी वाइन की तरह पूजा लाटा सोरती उनके इस सफर की परमानेंट हम सफर है। एक एडिटर और एक डायरेक्टर की इससे बेहतरीन जोड़ी शायद ही बिमल राय और ऋषिकेश मुखर्जी की ही रही होगी। सिनेमाघर ना क्या होता है ये श्रीराम राघवन से फिल्म स्कूल के बच्चे सीखते हैं। उनका सपना होता है मुंबई आने पर उनसे मिल भर लेने का और श्रीराम मिलते हैं तो कतई फिल्मी नहीं लगते। फिल्मी सितारों के इंटरव्यू करते करते वो फिल्ममेकर बने हैं। उनके हर फ्रेम में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो एक आम फिल्म दर्शकों को नजर नहीं आता लेकिन जो गुनी दर्शक है वो इसे पकड़ लेते हैं। 7 साल बाद जेल से छूटे शख्स की पहले आजाद रात की ये कहानी है और सुबह होते ही ये एक रात की प्रेम कहानी में तब्दील हो जाती है। पता नहीं पहली बार प्रपोज करने के लिए खरीदी गई एल्बर्ट की अंगूठी अभिशप्त है या फिर उसकी किस्मत ही खराब है लेकिन नियति को उसने स्वीकार कर लिया है। फिल्म मेरी क्रिसमस लोग देखने आएंगे विजय सेनापति की वजह से लेकिन जब फिल्म देखकर निकलेंगे तो याद रह जाएंगी कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ से श्रीराम राघवन ने उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ अभिनय करवाया है। अपने बॉयफ्रेंड के दोस्त से शादी करने वाली मारिया का ये किरदार एक माँ की लाचारी से उपजा है और अपनी बच्ची को अपने ही पति से बचाने की कोशिश में वो जो कुछ कर गुजरती है उसको देखकर दर्शक उसके साथ हो लेता है। कातिल ये यहाँ घृणा नहीं होने पाती और यही वजह है सेनापति के किरदार एल्बर्ट को रोजी से मारिया तक ले जाता है और दोनों के बीच का सामंजस्य फिल्म की अंतरधारा है। और फिल्म के क्लाइमैक्स में एल्बर्ट जो मारिया को अंगूठी पहनाने के बाद पुलिस थाने में ही समर्पण के अंदाज में बेंच पर जाकर बैठ जाता है तो उस दृश्य की कसक उन सारे दर्शकों को भीतर तक महसूस होगी जिन्होंने प्रेम का असली अर्थ जीवन में समझा है। तत् सुखे सुखेत्वत् और विजय सेनापति के अभिनय की यही जीत है। कहने को फिल्म मेरी क्रिसमस 2 घंटे 14 मिनट की एक सस्पेंस थ्रिलर है लेकिन एक निर्जीव टेडी बियर को लेकर भी एल्बर्ट के संवाद फिल्म में ठहकाने लगने के भी मौके तलाश लेती है। फिल्म के वन लाइनर बहुत ही शानदार लिखे गए हैं। पूरी फिल्म एक रात की कहानी है लिहाजा दर्शकों को ये आखिर तक बांधे रखती है। इसमें इसकी पटकथा और संपादन दोनों की जीत है। कलामतक निर्देशक चुस्त पटकथा सामान्य से सुनाई देने वाले लेकिन गहरे अर्थ वाले संवाद कैटरीना और विजय का शानदार अभिनय और साथ में अरिजीत और पापन की स्वर
लहरिया फिल्मों को सिनेमाई आनंद देने वाली कहानी बना देते हैं। फिल्म के सहायक कलाकारों में बच्ची बनी परी और पुलिस अफसरों के किरदार में विनय पाठक और प्रतिमा कन्नन, कैटरिंग कारोबारी बने संजय कपूर और उनकी पत्नी के किरदार में अश्विनी कलसेकर ने बहुत बढ़िया काम किया है। और हाँ, राधिका आप्टे भी तो है। रोजी का उनका किरदार बहुत ही थोड़ी देर का है, लेकिन असल कैटलिस्ट फिल्म का वही तो है। है ना सेम बनना सर। आइए छाबरा जी, नाम दे दू सर, आप आएंगे पक्का? अरे ऑन रिकॉर्ड पूछेगा मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। भाई वेट, ये अरुण रवि भाई का नाम रखे क्या? ये रवि भाई का नाम रवि रंडा। शरद फेल कर, क्या नाम है? या कम इधर काम। अरुण शर्ट देख, शर्ट शर्ट एक से एक पॉइंट आई। शरद भाई सेंटर में, शरद भाई सब दिया है सामने ऊपर अरे ये क्या है ना अपना नेक्स्ट मार्क बस अरे तू ना अदिति किसका डैडी है? एक बार वो ने मेरे पीछे आइए इकबाल नहीं बे फालतू कमेंट मत करो। एक टाइम पे ना एक आइए तुन्ना मैं आया ना भाई यहाँ पे पिंकी हाय करिश्मा लेने आना चाहिए दीना
अरे जिसका पिक्चर है उसका ठिकाना ही नहीं है। आइए दिव्या जी। दिव्या जी लुक इधर। आओ आदमी भाई आवाज़ यू। आजो आइए आजो। कौन सा? ये गाड़ी किस चीज़ का लगा बाहर? सर ऊपर इधर कौन? ऊपर ऊपर थोड़ा ऊपर। सिकंदर। मुन्ना मुन्ना वाला टुन्ना सेंटर लुक यार। थैंक यू। मैं थोड़ा पीछे पता नहीं बस लुक दिस फोन में अंधेरी अंधेरी में लुक सेंटर यहाँ पे अरे यार सोलो किलो अरे ये लोग इधर रुका मैम रुकिए रुकिए अरे वेट यार कौन नेक्स्ट मैच थैंक यू सर लुक सेंटर लुक सेंटर सर सेंटर लुक मैम यहाँ पे
अरे भाई मत, अरे भाई यार ये मार्क पे नहीं हुआ, पीछा पीछा पीछा, ये मार्क पे नहीं हुआ, ये मार्क नहीं, सेंटर में नहीं हुआ, सेंटर में नहीं हुआ, सेंटर सेंटर ये मार्क सेंटर सेंटर सस्पेंस फिल्मों के शौकीनों को श्रीराम का बेहतरीन तोहफा कैटरीना विजय की दमदार जुगल बिंदी। रात जितनी हसीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी। किसी फिल्म के पोस्टर पर ये लाइन पढ़ने और पोस्टर पर कैटरीना कैफ जैसी खूबसूरत महिला की तस्वीर देखने के बाद भी अगर साथ में निर्देशक श्रीराम राघवन लिखा हो तो दर्शक फिल्म को लेकर कोई ख्याल पकाना भी चाहे तो नहीं पका सकता। यही श्रीराम का सिनेमा है। फिल्म इफ्तार में निर्देशक मुकुल आनंद के सहायक के तौर पर शुरू हुआ उनका फिल्म सफर अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां उनकी फिल्मों के लिए दर्शक दम साथ कर इंतजार करते हैं। श्रीराम की पिछली फिल्म अंधाधुन को रिलीज हुए 5 साल हुए हैं। इसे बनाने वाली कंपनी वायकॉम 18 ने उससे पैसे भी अंधाधुन कमाए हैं और अब बारी टिप्स म्यूजिक कंपनी की है। रमेश तेरानी के लिए ये फिल्म उनकी कंपनी की नई ब्रांडिंग है। टिप्स की पिछली फिल्में रेस 3, भूत पुलिस और गैस लाइट रही है। उनका हाल सबको पता है। ताजा हाल ये है कि मैरी क्रिसमस के सिनेमाघरों तक पहुंचने से पहले ही टिप्स के शेयरों में 5% से ज्यादा का उछाल बीते दिन दर्ज किया गया है। श्रीराम राघवन की फिल्में अगर ध्यान से देखेंगे तो उनकी फिल्मों की कहानी का केंद्र बिंदु हमेशा से एक महिला ही रही है। हीरो फिल्म की कहानी की सजावट के तौर पर इस्तेमाल होता है। यहाँ भी वैसा ही कुछ है। कैटरीना कैफ और श्रीराम राघवन ने उनके अब तक के बेहतरीन किरदार में पेश किया गया है। मारिया का ये किरदार कैटरीना के लिए उनकी शादी के बाद की दूसरी पारी का वो स्प्रिंग बोर्ड है जिस पर से छलांग लगाकर अब वो अभी भी कुछ साल और तैर सकती है। फिल्म मेरी क्रिसमस सस्पेंस के शौकीनों की फिल्म है। मसाला इसमें भी भरपूर है लेकिन ये डिश बन मस्का जैसी है। इसका असली मजा ईरानी चाय के साथ ही लिया जा सकता है। मुंबई जब बम्बई हुआ करता था वाले दिनों की इस कहानी में मोबाइल नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है और अपराध परी भी नहीं है। एक महीने भर की प्लानिंग से होने वाला मर्डर है और दूसरा बस फटाक से हो गया कत्ल। दोनों का सूत्र एक ही है। दोनों जगह मामला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी है। श्रीराम और उनकी लेखन टीम ने सब कुछ हाथ से बुने गए स्वेटर जैसा गढ़ा है और इसकी कढ़ाई भी बहुत ही नफीस रखी है। बतौर निर्देशक श्रीराम राघवन फिल्म दर फिल्म महकते जा रहे हैं पुरानी वाइन की तरह। पूजा लाटा सूरती उनके इस सफर की परमानेंट हम सफर है। एक एडिटर और एक डायरेक्टर की इससे बेहतरीन जोड़ी शायद ही बिमल राय और ऋषिकेश मुखर्जी की ही रही होगी। सिनेमाघर ना क्या होता है ये श्रीराम राघवन से फिल्म स्कूल के बच्चे सीखते हैं। उनका सपना होता है मुंबई आने पर उनसे मिल भर लेने का और श्रीराम मिलते हैं तो कतई फिल्मी नहीं लगते। फिल्मी सितारों के इंटरव्यू करते करते वो फिल्ममेकर बने हैं। उनके हर फ्रेम में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो एक आम फिल्म दर्शकों को नजर नहीं आता लेकिन जो गुनी दर्शक है वो इसे पकड़ लेते हैं। 7 साल बाद जेल से छूटे शख्स की पहली आजाद रात की ये कहानी है और सुबह होते ही ये एक रात की प्रेम कहानी में तब्दील हो जाती है। पता नहीं पहली बार प्रपोज करने के लिए खरीदी गई एल्बर्ट की अंगूठी अभिशप्त है या फिर उसकी किस्मत ही खराब है लेकिन नियति को उसने स्वीकार कर लिया है। फिल्म मेरी क्रिसमस लोग देखने आएंगे विजय सेनापति की वजह से लेकिन जब फिल्म देखकर निकलेंगे तो याद रह जाएंगी कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ से श्रीराम राघवन ने उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ अभिनय करवाया है। अपने बॉयफ्रेंड के दोस्त से शादी करने वाली मारिया का ये किरदार एक माँ की लाच
चारी से उपजा है और अपनी बच्ची को अपने ही पति से बचाने की कोशिश में वो जो कुछ कर गुजरती है उसको देखकर दर्शक उसके साथ हो लेता है। कातिल ये यहाँ घृणा नहीं होने पाती और यही वजह है सेनापति के किरदार एल्बर्ट को रोजी से मारिया तक ले जाता है और दोनों के बीच का सामंजस्य फिल्म की अंतरधारा है। और फिल्म के क्लाइमैक्स में एल्बर्ट जो मारिया को अंगूठी पहनाने के बाद पुलिस थाने में ही समर्पण के अंदाज में बेंच पर जाकर बैठ जाता है तो उस दृश्य की कसक उन सारे दर्शकों को भीतर तक महसूस होगी जिन्होंने प्रेम का असली अर्थ जीवन में समझा है। तत् सुखे सुखे त्वत् और विजय सेनापति के अभिनय की यही जीत है। कहने को फिल्म मेरी क्रिसमस 2 घंटे 14 मिनट की एक सस्पेंस थ्रिलर है लेकिन एक निर्जीव टेडी बेयर को लेकर भी एल्बर्ट की संवाद फिल्म में ठहकाने लगने के भी मौके तलाश लेती है। फिल्म के वन लाइनर बहुत ही शानदार लिखे गए हैं। पूरी फिल्म एक रात की कहानी है लिहाजा दर्शकों को ये आखिर तक बांधे रखती है। इसमें इसकी पटकथा और संपादन दोनों की जीत है। कलामत्तक निर्देशक चुस्त पटकथा सामान्य से सुनाई देने वाले लेकिन गहरे अर्थ वाले संवाद कैटरीना और विजय का शानदार अभिनय और साथ में अरिजीत और पापन की स्वर लहरिया फिल्मों को सिनेमाई आनंद देने वाली कहानी बना देते हैं। फिल्म के सहायक कलाकारों में बच्ची बनी परी और पुलिस अफसरों के किरदार में विनय पाठक और प्रतिमा कर्णन कैटरिंग कारोबारी बने संजय कपूर और उनकी पत्नी के किरदार में अश्विनी कलसेकर ने बहुत बढ़िया काम किया है। और हाँ राधिका आप्टे भी तो है। रोजी का उनका किरदार बहुत ही थोड़ी देर का है लेकिन असल कैटलिस्ट फिल्म का वही तो है। सस्पेंस फिल्मों के शौकीनों को श्रीराम का बेहतरीन तोहफा कैटरीना विजय की दमदार जुगलबंदी। रात जितनी हसीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी। किसी फिल्म के पोस्टर पर ये लाइन पढ़ने और पोस्टर पर कैटरीना कैफ जैसी खूबसूरत महिला की तस्वीर देखने के बाद भी अगर साथ में निर्देशक श्रीराम राघवन लिखा हो तो दर्शक फिल्म को लेकर कोई ख्याल पकाना भी चाहे तो नहीं पका सकता। यही श्रीराम का सिनेमा है। फिल्म इफ्तार में निर्देशक मुकुल आनंद के सहायक के तौर पर शुरू हुआ उनका फिल्म सफर अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां उनकी फिल्मों के लिए दर्शक दम साथ कर इंतजार करते हैं। श्रीराम की पिछली फिल्म अंधाधुन को रिलीज हुए 5 साल हुए हैं। इसे बनाने वाली कंपनी वायकॉम 18 ने उससे पैसे भी अंधाधुन कमाए हैं और अब बारी टिप्स म्यूजिक कंपनी की है। रमेश तेरानी के लिए ये फिल्म उनकी कंपनी की नई ब्रांडिंग है। टिप्स की पिछली फिल्में रेस 3 भूत पुलिस और गैस लाइट रही है। उनका हाल सबको पता है। ताजा हाल ये है कि मैरी क्रिसमस के सिनेमाघरों तक पहुंचने से पहले ही टिप्स के शेयरों में 5% से ज्यादा का उछाल बीते दिन दर्ज किया गया है। श्रीराम राघवन की फिल्में अगर ध्यान से देखेंगे तो उनकी फिल्मों की कहानी का केंद्र बिंदु हमेशा से एक महिला ही रही है। हीरो फिल्म की कहानी की सजावट के तौर पर इस्तेमाल होता है। यहाँ भी वैसा ही कुछ है। कैटरीना कैफ और श्रीराम राघवन ने उनके अब तक के बेहतरीन किरदार में पेश किया गया है। मारिया का ये किरदार कैटरीना के लिए उनकी शादी के बाद की दूसरी पारी का वो स्प्रिंग बोर्ड है जिस पर से छलांग लगाकर अब वो अभी भी कुछ साल और तैर सकती है। फिल्म मेरी क्रिसमस सस्पेंस के शौकीनों की फिल्म है। मसाला इसमें भी भरपूर है लेकिन ये डिश बन मस्का जैसी है। इसका असली मजा ईरानी चाय के साथ ही लिया जा सकता है। मुंबई जब बम्बई हुआ करता था वाले दिनों की इस कहानी में मोबाइल नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है और अफराद फरी भी नहीं है। एक महीने भर की प्लानिंग से होने वाला मर्डर है और दूसरा बस फटाक से हो गया कत्ल। दोनों का सूत्र एक ही है। दोनों जगह मामला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी है। श्रीराम और उनकी लेखन टीम ने सब कुछ हाथ से बुने गए स्वेटर जैसा गढ़ा है और इसकी कढ़ाई भी बहुत ही नफीस रखी है। बतौर निर्देशक श्रीराम राघवन फिल्म दर फिल्म महकते जा रहे हैं पुरानी वाइन की तरह। पूजा लाटा सूरती उनके इस सफर की परमानेंट हम सफर है। एक एडिटर और एक डायरेक्टर की इससे बेहतरीन जोड़ी शायद ही बिमल राय और ऋषिकेश मुखर्जी की ही रही होगी। सिनेमागरना क्या होता है ये श्रीराम राघवन से फिल्म स्कूल के बच्चे सीखते हैं। उनका सपना होता है मुंबई आने पर उनसे मिल भर लेने का और श्रीराम मिलते हैं तो कतई फिल्मी नहीं लगते। फिल्मी सितारों के इंटरव्यू करते करते वो फिल्म मेकर बने हैं। उनके
हर फ्रेम में कुछ न कुछ ऐसा जरूर होता है जो एक आम फिल्म दर्शकों को नजर नहीं आता, लेकिन जो गुनी दर्शक है वो इसे पकड़ लेते हैं। 7 साल बाद जेल से छूटे शख्स की पहले आजाद रात की ये कहानी है, और सुबह होते ही ये एक रात की प्रेम कहानी में तब्दील हो जाती है। पता नहीं पहली बार प्रपोज करने के लिए खरीदी गई एल्बर्ट की अंगूठी अभिशप्त है या फिर उसकी किस्मत ही खराब है, लेकिन नियति को उसने स्वीकार कर लिया है। फिल्म मेरी क्रिसमस लोग देखने आएंगे विजय सेनापति की वजह से, लेकिन जब फिल्म देखकर निकलेंगे तो याद रह जाएंगी कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ से श्रीराम राघवन ने उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ अभिनय करवाया है। अपने बॉयफ्रेंड के दोस्त से शादी करने वाली मारिया का ये किरदार एक माँ की लाचारी से उपजा है, और अपनी बच्ची को अपने ही पति से बचाने की कोशिश में वो जो कुछ कर गुजरती है उसको देख कर दर्शक उसके साथ हो लेता है। कातिल ये यहाँ घृणा नहीं होने पाती, और यही वजह है सेनापति के किरदार एल्बर्ट को रोजी से मारिया तक ले जाता है, और दोनों के बीच का सामंजस्य फिल्म की अंतरधारा है। और फिल्म के क्लाइमैक्स में एल्बर्ट जो मारिया को अंगूठी पहनाने के बाद पुलिस थाने में ही समर्पण के अंदाज में बेंच पर जाकर बैठ जाता है, तो उस दृश्य की कसक उन सारे दर्शकों को भीतर तक महसूस होगी जिन्होंने प्रेम का असली अर्थ जीवन में समझा है। तत् सुखे सुखे त्वत, और विजय सेनापति के अभिनय की यही जीत है। कहने को फिल्म मेरी क्रिसमस 2 घंटे 14 मिनट की एक सस्पेंस थ्रिलर है, लेकिन एक निर्जीव टेडी बियर को लेकर भी एल्बर्ट के संवाद फिल्म में ठहकाने लगने के भी मौके तलाश लेती है। फिल्म के वन लाइनर बहुत ही शानदार लिखे गए हैं। पूरी फिल्म एक रात की कहानी है, लिहाजा दर्शकों को ये आखिर तक बांधे रखती है। इसमें इसकी पटकथा और संपादन दोनों की जीत है। कलामतक निर्देशक जिस पटकथा सामान्य से सुनाई देने वाले लेकिन गहरे अर्थ वाले संवाद, कैटरीना और विजय का शानदार अभिनय, और साथ में अरिजीत और पापन की स्वर लहरिया फिल्मों को सिनेमाई आनंद देने वाली कहानी बना देते हैं। फिल्म के सहायक कलाकारों में बच्ची बनी परी और पुलिस अफसरों के किरदार में विनय पाठक और प्रतिमा कन्नन, कैटरिंग कारोबारी बने संजय कपूर और उनकी पत्नी के किरदार में अश्विनी कलसेकर ने बहुत बढ़िया काम किया है, और हाँ राधिका आप्टे भी तो है। रोजी का उनका किरदार बहुत ही थोड़ी देर का है, लेकिन असल कैटलिस्ट फिल्म का वही तो है। लुक सेंटर सर बाइक तो है, सर बाइक लेके आते मैं उसका अलग चार्ज है। हाँ मेरे तो चलेगा 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 सर, बस बस थोड़ा पीछे दो स्टेप बस। थैंक यू सर। आ जाओ भाई इधर आ जाओ, सेंटर में आ जाइए भाई। आइए भाई सेंटर में आइए। दिल टूट गया था, मेरा दिल टूट गया था अपना, चला गया वो, कोई चीला देना है। हाँ गया, देख भी लिया, देख भी लिया, समझेगा नहीं रे।
सर्वर यहाँ पे किशन चार बार धक्का दिया दूसरा क्या चार बार धक्का दिया और आइए सर सेंटर में आइए यही है आगे खुशी नेक्स्ट मार्क वेट 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 ये वाला खुशी यार खुशी साथ में क्या रही भाई सेंटर लुक पीछे
पीछा 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 और पीछा कैमरा उठा दो आधा घंटा गर्मी हो जा रहा है जी। आइए इस मार्ग पे लुक सेंटर लुक सेंटर नेहा जी सामने थैंक यू नेहा जी हाँ अच्छे अच्छे लोग आए यहाँ पे आज लुक सेंटर अश्विनी जी आइए यहाँ पे रुकिए मैम बिक्की भाई जाओ सेंटर में सामने यहाँ पे भाई सेंटर सेंटर विक्की विक्की सेकंड मार्क बाय सेकंड मार्क चावा इधर चावा इधर चावा इधर ओके सेंटर सेंटर लो सेंटर इलावा इलावा सेंटर लो विक्की 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 भाई विक्की 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 भाई सामने यहाँ पे विक्की अरे यार आप हो गए सेंटर लुक सेंटर लुक सेंटर लुक हाँ भाई जी भाई जी इंस्टा लिखते बहुत ज्यादा लुक सेंटर सर
थैंक यू सर। अरे क्या कर रहा सस्पेंस फिल्मों के शौकीनों को श्रीराम का बेहतरीन तोहफा कैटरीना विजय की दमदार जुगलबंदी। रात जितनी हसीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी। किसी फिल्म के पोस्टर पर ये लाइन पढ़ने और पोस्टर पर कैटरीना कैफ जैसी खूबसूरत महिला की तस्वीर देखने के बाद भी अगर साथ में निर्देशक श्री राम राघवन लिखा हो तो दर्शक फिल्म को लेकर कोई ख्याल पकाना भी चाहे तो नहीं पका सकता। यही श्री राम का सिनेमा है। फिल्म अवतार में निर्देशक मुकुल आनंद के सहायक के तौर पर शुरू हुआ उनका फिल्म सफर अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां उनकी फिल्मों के लिए दर्शक दम साथ कर इंतजार करते हैं। श्रीराम की पिछली फिल्म अंधाधुन को रिलीज हुए 5 साल हुए हैं। इसे बनाने वाली कंपनी वायकॉम 18 ने उससे पैसे भी अंधाधुन कमाए हैं और अब बारी टिप्स म्यूजिक कंपनी की है। रमेश तेरानी के लिए ये फिल्म उनकी कंपनी की नई ब्रांडिंग है। टिप्स की पिछली फिल्में रेस 3, भूत पुलिस और गैस लाइट रही है। उनका हाल सबको पता है। ताजा हाल ये है कि मैरी क्रिसमस के सिनेमाघरों तक पहुंचने से पहले ही टिप्स के शेयरों में 5% से ज्यादा का उछाल बीते दिन दर्ज किया गया है। श्री राम राघवन की फिल्में अगर ध्यान से देखेंगे तो उनकी फिल्मों की कहानी का केंद्र बिंदु हमेशा से एक महिला ही रही है। हीरो फिल्म की कहानी की सजावट के तौर पर इस्तेमाल होता है। यहाँ भी वैसा ही कुछ है। कैटरीना कैफ और श्री राम राघवन ने उनके अब तक के बेहतरीन किरदार में पेश किया गया है। मारिया का ये किरदार कैटरीना के लिए उनकी शादी के बाद की दूसरी पारी का वो स्प्रिंग बोर्ड है जिस पर से छलांग लगाकर अब वो अभी भी कुछ साल और तैर सकती है। फिल्म मेरी क्रिसमस सस्पेंस के शौकीनों की फिल्म है। मसाला इसमें भी भरपूर है लेकिन ये डिश बन मस्का जैसी है। इसका असली मजा ईरानी चाय के साथ ही लिया जा सकता है। मुंबई जब बम्बई हुआ करता था वाले दिनों की इस कहानी में मोबाइल नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है और अफराद फरी भी नहीं है। एक महीने भर की प्लानिंग से होने वाला मर्डर है और दूसरा बस फटाक से हो गया कत्ल। दोनों का सूत्र एक ही है। दोनों जगह मामला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी है। श्रीराम और उनकी लेखन टीम ने सब कुछ हाथ से बुने गए स्वेटर जैसा गढ़ा है और इसकी कढ़ाई भी बहुत ही नफीस रखी है। बतौर निर्देशक श्रीराम राघवन फिल्म दर फिल्म महकते जा रहे हैं पुरानी वाइन की तरह। पूजा लाटा सूरती उनके इस सफर की परमानेंट हम सफर है। एक एडिटर और एक डायरेक्टर की इससे बेहतरीन जोड़ी शायद ही बिमल राय और ऋषिकेश मुखर्जी की ही रही होगी। सिनेमाघर ना क्या होता है ये श्रीराम राघवन से फिल्म स्कूल के बच्चे सीखते हैं। उनका सपना होता है मुंबई आने पर उनसे मिल भर लेने का और श्रीराम मिलते हैं तो कतई फिल्मी नहीं लगते। फिल्मी सितारों के इंटरव्यू करते करते वो फिल्म मेकर बने हैं। उनके
हर फ्रेम में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो एक आम फिल्म दर्शकों को नजर नहीं आता, लेकिन जो गुनी दर्शक है वो इसे पकड़ लेते हैं। 7 साल बाद जेल से छूटे शख्स की पहले आजाद रात की ये कहानी है, और सुबह होते ही ये एक रात की प्रेम कहानी में तब्दील हो जाती है। पता नहीं पहली बार प्रपोज करने के लिए खरीदी गई एल्बर्ट की अंगूठी अभिशप्त है या फिर उसकी किस्मत ही खराब है, लेकिन नियति को उसने स्वीकार कर लिया है। फिल्म मेरी क्रिसमस लोग देखने आएंगे विजय सेनापति की वजह से, लेकिन जब फिल्म देखकर निकलेंगे तो याद रह जाएंगी कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ से श्रीराम राघवन ने उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ अभिनय करवाया है। अपने बॉयफ्रेंड के दोस्त से शादी करने वाली मारिया का ये किरदार एक माँ की लाचारी से उपजा है, और अपनी बच्ची को अपने ही पति से बचाने की कोशिश में वो जो कुछ कर गुजरती है उसको देख कर दर्शक उसके साथ हो लेता है। कातिल ये यहाँ घृणा नहीं होने पाती, और यही वजह है सेनापति के किरदार एल्बर्ट को रोजी से मारिया तक ले जाता है, और दोनों के बीच का सामंजस्य फिल्म की अंतरधारा है। और फिल्म के क्लाइमैक्स में एल्बर्ट जो मारिया को अंगूठी पहनाने के बाद पुलिस थाने में ही समर्पण के अंदाज में बेंच पर जाकर बैठ जाता है, तो उस दृश्य की कसक उन सारे दर्शकों को भीतर तक महसूस होगी जिन्होंने प्रेम का असली अर्थ जीवन में समझा है। तत् सुखे सुखे त्वत, और विजय सेनापति के अभिनय की यही जीत है। कहने को फिल्म मेरी क्रिसमस 2 घंटे 14 मिनट की एक सस्पेंस थ्रिलर है, लेकिन एक निर्जीव टेडी बियर को लेकर भी एल्बर्ट के संवाद फिल्म में ठहकाने लगने के भी मौके तलाश लेती है। फिल्म के वन लाइनर बहुत ही शानदार लिखे गए हैं। पूरी फिल्म एक रात की कहानी है, लिहाजा दर्शकों को ये आखिर तक बांधे रखती है। इसमें इसकी पटकथा और संपादन दोनों की जीत है। कलामतक निर्देशक जिस पटकथा सामान्य से सुनाई देने वाले लेकिन गहरे अर्थ वाले संवाद, कैटरीना और विजय का शानदार अभिनय, और साथ में अरिजीत और पापन की स्वर लहरिया फिल्मों को सिनेमाई आनंद देने वाली कहानी बना देते हैं। फिल्म के सहायक कलाकारों में बच्ची बनी परी और पुलिस अफसरों के किरदार में विनय पाठक और प्रतिमा कन्नन, कैटरिंग कारोबारी बने संजय कपूर और उनकी पत्नी के किरदार में अश्विनी कलसेकर ने बहुत बढ़िया काम किया है, और हाँ राधिका आप्टे भी तो है। रोजी का उनका किरदार बहुत ही थोड़ी देर का है, लेकिन असल कैटलिस्ट फिल्म का वही तो है। सस्पेंस फिल्मों के शौकीनों को श्रीराम का बेहतरीन तोहफा, कैटरीना विजय की दमदार जुगलबंदी। रात जितनी हसीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी, किसी फिल्म के पोस्टर पर ये लाइन पढ़ने और पोस्टर पर कैटरीना कैफ जैसी खूबसूरत महिला की तस्वीर देखने के बाद भी अगर साथ में निर्देशक श्रीराम राघवन लिखा हो तो दर्शक फिल्म को लेकर कोई ख्याल पकाना भी चाहे तो नहीं पका सकता। यही श्रीराम का सिनेमा है। फिल्म इफ्तार में निर्देशक मुकुल आनंद के सहायक के तौर पर शुरू हुआ उनका फिल्म सफर अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां उनकी फिल्मों के लिए दर्शक दम साथ कर इंतजार करते हैं। श्रीराम की पिछली फिल्म अंधाधुन को रिलीज हुए 5 साल हुए हैं। इसे बनाने वाली कंपनी वायकॉम 18 ने उससे पैसे भी अंधाधुन कमाए हैं, और अब बारी टिप्स म्यूजिक कंपनी की है। रमेश तेरानी के लिए ये फिल्म उनकी कंपनी की नई ब्रांडिंग है। टिप्स की पिछली फिल्में रेस 3, भूत पुलिस और गैसलाइट रही है। उनका हाल सबको पता है। ताजा हाल ये है कि मैरी क्रिसमस के सिनेमाघरों तक पहुंचने से पहले ही टिप्स के शेयरों में 5% से ज्यादा का उछाल बीते दिन दर्ज किया गया है। श्रीराम राघवन की फिल्में अगर ध्यान से देखेंगे तो उनकी फिल्मों की कहानी का केंद्र बिंदु हमेशा से एक महिला ही रही है। हीरो फिल्म की कहानी की सजावट के तौर पर इस्तेमाल होता है, यहाँ भी वैसा ही कुछ है। कैटरीना कैफ और श्रीराम राघवन ने उनके अब तक के बेहतरीन किरदार में पेश किया गया है। मारिया का ये किरदार कैटरीना के लिए उनकी शादी के बाद की दूसरी पारी का वो स्प्रिंग बोर्ड है जिस पर से छलांग लगाकर अब वो अभी भी कुछ साल और तैर सकती है। फिल्म मेरी क्रिसमस सस्पेंस के शौकीनों की फिल्म है। मसाला इसमें भी भरपूर है, लेकिन ये डिश बन मस्का जैसी है। इसका असली मजा ईरानी चाय के साथ ही लिया जा सकता है। मुंबई जब बम्बई हुआ करता था वाले दिनों की इस कहानी में मोबाइल नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है और अपराध परी भी नहीं है। एक महीने भर की प्लानिंग से होने वाला मर्डर है और दूसरा बस फटाक से हो गया कत्ल। दोनों का सूत्र एक ही है, दोनों जगह मामला
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी है। श्री राम और उनकी लेखन टीम ने सब कुछ हाथ से बुने गए स्वेटर जैसा गढ़ा है और इसकी कढ़ाई भी बहुत ही नफीस रखी है। बतौर निर्देशक श्री राम राघवन फिल्म दर फिल्म महकते जा रहे हैं। पुरानी वाइन की तरह पूजा लाटा सोरती उनके इस सफर की परमानेंट हम सफर है। एक एडिटर और एक डायरेक्टर की इससे बेहतरीन जोड़ी शायद ही बिमल राय और ऋषिकेश मुखर्जी की ही रही होगी। सिनेमाघर ना क्या होता है ये श्री राम राघवन से फिल्म स्कूल के बच्चे सीखते हैं। उनका सपना होता है मुंबई आने पर उनसे मिल भर लेने का और श्री राम मिलते हैं तो कतई फिल्मी नहीं लगते। फिल्मी सितारों के इंटरव्यू करते करते वो फिल्ममेकर बने हैं। उनके हर फ्रेम में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो एक आम फिल्म दर्शकों को नजर नहीं आता लेकिन जो गुनी दर्शक है वो इसे पकड़ लेते हैं। 7 साल बाद जेल से छूटे शख्स की पहले आजाद रात की ये कहानी है और सुबह होते ही ये एक रात की प्रेम कहानी में तब्दील हो जाती है। पता नहीं पहली बार प्रपोज करने के लिए खरीदी गई एल्बर्ट की अंगूठी अभिशप्त है या फिर उसकी किस्मत ही खराब है लेकिन नियति को उसने स्वीकार कर लिया है। फिल्म मेरी क्रिसमस लोग देखने आएंगे विजय सेनापति की वजह से लेकिन जब फिल्म देखकर निकलेंगे तो याद रह जाएंगी कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ से श्री राम राघवन ने उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ अभिनय करवाया है। अपने बॉयफ्रेंड के दोस्त से शादी करने वाली मारिया का ये किरदार एक माँ की लाचारी से उपजा है और अपनी बच्ची को अपने ही पति से बचाने की कोशिश में वो जो कुछ कर गुजरती है उसको देखकर दर्शक उसके साथ हो लेता है। कातिल ये यहाँ घृणा नहीं होने पाती और यही वजह है सेनापति के किरदार एल्बर्ट को रोजी से मारिया तक ले जाता है और दोनों के बीच का सामंजस्य फिल्म की अंतरधारा है। और फिल्म के क्लाइमैक्स में एल्बर्ट जो मारिया को अंगूठी पहनाने के बाद पुलिस थाने में ही समर्पण के अंदाज में बेंच पर जाकर बैठ जाता है तो उस दृश्य की कसक उन सारे दर्शकों को भीतर तक महसूस होगी जिन्होंने प्रेम का असली अर्थ जीवन में समझा है। तत् सुखे सुखेत्वत् और विजय सेनापति के अभिनय की यही जीत है। कहने को फिल्म मेरी क्रिसमस 2 घंटे 14 मिनट की एक सस्पेंस थ्रिलर है लेकिन एक निर्जीव टेडी बियर को लेकर भी एल्बर्ट के संवाद फिल्म में ठहकाने लगने के भी मौके तलाश लेती है। फिल्म के वन लाइनर बहुत ही शानदार लिखे गए हैं। पूरी फिल्म एक रात की कहानी है लिहाजा दर्शकों को ये आखिर तक बांधे रखती है। इसमें इसकी पटकथा और संपादन दोनों की जीत है। कलामतक निर्देशक चुस्त पटकथा सामान्य से सुनाई देने वाले लेकिन गहरे अर्थ वाले संवाद कैटरीना और विजय का शानदार अभिनय और साथ में अरिजीत और पापन की स्वर लहरिया फिल्मों को सिनेमाई आनंद देने वाली कहानी बना देते हैं। फिल्म के सहायक कलाकारों में बच्ची बनी परी और पुलिस अफसरों के किरदार में विनय पाठक और प्रतिमा कन्नन कैटरिंग कारोबारी बने संजय कपूर और उनकी पत्नी के किरदार में अश्विनी कलसेकर ने बहुत बढ़िया काम किया है और हाँ राधिका आप्टे भी तो है। रोजी का उनका किरदार बहुत ही थोड़ी देर का है लेकिन असल कैटलिस्ट फिल्म का वही तो है। सस्पेंस फिल्मों के शौकीनों को श्रीराम का बेहतरीन तोहफा कैटरीना विजय की दमदार जुगलबंदी। रात जितनी हसीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी। किसी फिल्म के पोस्टर पर ये लाइन पढ़ने और पोस्टर पर कैटरीना कैफ जैसी खूबसूरत महिला की तस्वीर देखने के बाद भी अगर साथ में निर्देशक श्रीराम राघवन लिखा हो तो दर्शक फिल्म को लेकर कोई ख्याल पकाना भी चाहे तो नहीं पका सकता। यही श्रीराम का सिनेमा है। फिल्म इफ्तार में निर्देशक मुकुल आनंद के सहायक के तौर पर शुरू हुआ उनका फिल्म सफर अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां उनकी फिल्मों के लिए दर्शक दम साथ कर इंतजार करते हैं। श्रीराम की पिछली फिल्म अंधाधुन को रिलीज हुए 5 साल हुए हैं। इसे बनाने वाली कंपनी वायकॉम 18 ने उससे पैसे भी अंधाधुन कमाए हैं और अब बारी टिप्स म्यूजिक कंपनी की है। रमेश तेरानी के लिए ये फिल्म उनकी कंपनी की नई ब्रांडिंग है। टिप्स की पिछली फिल्में रेस 3 भूत पुलिस और गैसलाइट रही है। उनका हाल सबको पता है। ताजा हाल ये है कि मेरी क्रिसमस के सिनेमाघरों तक पहुंचने से पहले ही टिप्स के शेयरों में 5% से ज्यादा का उछाल बीते दिन दर्ज किया गया है। श्रीराम राघवन की फिल्में अगर ध्यान से देखेंगे तो उनकी फिल्मों की कहानी का केंद्र बिंदु हमेशा से एक महिला ही रही है। हीरो फिल्म की कहानी की सजावट के तौर पर इस्तेमाल होता है। यहाँ भी वैसा ही कुछ है। कैटरीना कैफ और श्रीराम राघवन ने
उनके अब तक के बेहतरीन किरदार में पेश किया गया है। मारिया का ये किरदार कैटरीना के लिए उनकी शादी के बाद की दूसरी पारी का वो स्प्रिंग बोर्ड है जिस पर से छलांग लगाकर अब वो अभी भी कुछ साल और तैर सकती है। फिल्म मेरी क्रिसमस स्पेस के शौकीनों की फिल्म है। मसाला इसमें भी भरपूर है लेकिन ये डिश बन मस्का जैसी है। इसका असली मजा ईरानी चाय के साथ ही लिया जा सकता है। मुंबई जब बम्बई हुआ करता था वाले दिनों की इस कहानी में मोबाइल नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है और अफरात फरी भी नहीं है। एक महीने भर की प्लानिंग से होने वाला मर्डर है और दूसरा बस फटाक से हो गया कत्ल। दोनों का सूत्र एक ही है, दोनों जगह मामला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी है। श्रीराम और उनकी लेखन टीम ने सब कुछ हाथ से बुने गए स्वेटर जैसा गढ़ा है और इसकी कढ़ाई भी बहुत ही नफीस रखी है। बतौर निर्देशक श्रीराम राघवन फिल्म दर फिल्म महकते जा रहे हैं। पुरानी वाइन की तरह पूजा लाटा सूरती उनके इस सफर की परमानेंट हम सफर है। एक एडिटर और एक डायरेक्टर की इससे बेहतरीन जोड़ी शायद ही बिमल राय और ऋषिकेश मुखर्जी की ही रही होगी। सिनेमाघर ना क्या होता है ये श्रीराम राघवन से फिल्म स्कूल के बच्चे सीखते हैं। उनका सपना होता है मुंबई आने पर उनसे मिल भर लेने का और श्रीराम मिलते हैं तो कतई फिल्मी नहीं लगते। फिल्मी सितारों के इंटरव्यू करते करते वो फिल्ममेकर बने हैं। उनके हर फ्रेम में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो एक आम फिल्म दर्शकों को नजर नहीं आता लेकिन जो गुनी दर्शक है वो इसे पकड़ लेते हैं। 7 साल बाद जेल से छूटे शख्स की पहली आजाद रात की ये कहानी है और सुबह होते ही ये एक रात की प्रेम कहानी में तब्दील हो जाती है। पता नहीं पहली बार प्रपोज करने के लिए खरीदी गई एल्बर्ट की अंगूठी अभिशप्त है या फिर उसकी किस्मत ही खराब है लेकिन नियति को उसने स्वीकार कर लिया है। फिल्म मेरी क्रिसमस लोग देखने आएंगे विजय सेनापति की वजह से लेकिन जब फिल्म देखकर निकलेंगे तो याद रह जाएंगी कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ से श्रीराम राघवन ने उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ अभिनय करवाया है। अपने बॉयफ्रेंड के दोस्त से शादी करने वाली मारिया का ये किरदार एक माँ की लाचारी से उपजा है और अपनी बच्ची को अपने ही पति से बचाने की कोशिश में वो जो कुछ कर गुजरती है उसको देखकर दर्शक उसके साथ हो लेता है। कातिल ये यहाँ घृणा नहीं होने पाती और यही वजह है सेनापति के किरदार एल्बर्ट को रोजी से मारिया तक ले जाता है और दोनों के बीच का सामंजस्य फिल्म की अंतरधारा है। और फिल्म के क्लाइमैक्स में एल्बर्ट जो मारिया को अंगूठी पहनाने के बाद पुलिस थाने में ही समर्पण के अंदाज में बेंच पर जाकर बैठ जाता है तो उस दृश्य की कसक उन सारे दर्शकों को भीतर तक महसूस होगी जिन्होंने प्रेम का असली अर्थ जीवन में समझा है। तत् सुखे सुखे त्वत् और विजय सेनापति के अभिनय की यही जीत है। कहने को फिल्म मेरी क्रिसमस 2 घंटे 14 मिनट की एक सस्पेंस थ्रिलर है लेकिन एक निर्जीव टेडी बेयर को लेकर भी एल्बर्ट के संवाद फिल्म में ठहकाने लगने के भी मौके तलाश लेती है। फिल्म के वन लाइनर बहुत ही शानदार लिखे गए हैं। पूरी फिल्म एक रात की कहानी है लिहाजा दर्शकों को ये आखिर तक बांधे रखती है। इसमें इसकी पटकथा और संपादन दोनों की जीत है। कलामतक निर्देशक चुस्त पटकथा सामान्य से सुनाई देने वाले लेकिन गहरे अर्थ वाले संवाद कैटरीना और विजय का शानदार अभिनय और साथ में अरिजीत और पापन की स्वर लहरिया फिल्मों को सिनेमाई आनंद देने वाली कहानी बना देते हैं। फिल्म के सहायक कलाकारों में बच्ची बनी परी और पुलिस अफसरों के किरदार में विनय पाठक और प्रतिमा कर्णन कैटरिंग कारोबारी बने संजय कपूर और उनकी पत्नी के किरदार में अश्विनी कलसेकर ने बहुत बढ़िया काम किया है और हाँ राधिका आप्टे भी तो है। रोजी का उनका किरदार बहुत ही थोड़ी देर का है लेकिन असल कैटलिस्ट फिल्म का वही तो है। सस्पेंस फिल्मों के शौकीनों को श्रीराम का बेहतरीन तोहफा कैटरीना विजय की दमदार जुगलबंदी। रात जितनी हसीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी। किसी फिल्म के पोस्टर पर ये लाइन पढ़ने और पोस्टर पर कैटरीना कैफ जैसी खूबसूरत महिला की तस्वीर देखने के बाद भी अगर साथ में निर्देशक श्रीराम राघवन लिखा हो तो दर्शक फिल्म को लेकर कोई ख्याल पकाना भी चाहे तो नहीं पका सकता। यही श्रीराम का सिनेमा है। फिल्म इफ्तार में निर्देशक मुकुल आनंद के सहायक के तौर पर
शुरू हुआ। उनका फिल्म सफर अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां उनकी फिल्मों के लिए दर्शक दम साथ कर इंतजार करते हैं। श्रीराम की पिछली फिल्म अंधाधुन को रिलीज हुए 5 साल हुए हैं। इसे बनाने वाली कंपनी वायकॉम 18 ने उससे पैसे भी अंधाधुन कमाए हैं और अब बारी टिप्स म्यूजिक कंपनी की है। रमेश तेरानी के लिए ये फिल्म उनकी कंपनी की नई ब्रांडिंग है। टिप्स की पिछली फिल्में रेस 3, भूत पुलिस और गैसलाइट रही है। उनका हाल सबको पता है। ताजा हाल ये है कि मैरी क्रिसमस के सिनेमाघरों तक पहुंचने से पहले ही टिप्स के शेयरों में 5% से ज्यादा का उछाल बीते दिन दर्ज किया गया है। श्रीराम राघवन की फिल्में अगर ध्यान से देखेंगे तो उनकी फिल्मों की कहानी का केंद्र बिंदु हमेशा से एक महिला ही रही है। हीरो फिल्म की कहानी की सजावट के तौर पर इस्तेमाल होता है, यहाँ भी वैसा ही कुछ है। कैटरीना कैफ और श्रीराम राघवन ने उनके अब तक के बेहतरीन किरदार में पेश किया गया है। मारिया का ये किरदार कैटरीना के लिए उनकी शादी के बाद की दूसरी पारी का वो स्प्रिंग बोर्ड है जिस पर से छलांग लगाकर अब वो अभी भी कुछ साल और तैर सकती है। फिल्म मेरी क्रिसमस सस्पेंस के शौकीनों की फिल्म है। मसाला इसमें भी भरपूर है लेकिन ये डिश बन मस्का जैसी है। इसका असली मजा ईरानी चाय के साथ ही लिया जा सकता है। मुंबई जब बम्बई हुआ करता था वाले दिनों की इस कहानी में मोबाइल नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है और अपराध परी भी नहीं है। एक महीने भर की प्लानिंग से होने वाला मर्डर है और दूसरा बस फटाक से हो गया कत्ल। दोनों का सूत्र एक ही है, दोनों जगह मामला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी है। श्रीराम और उनकी लेखन टीम ने सब कुछ हाथ से बुने गए स्वेटर जैसा गढ़ा है और इसकी कढ़ाई भी बहुत ही नफीस रखी है। बतौर निर्देशक श्रीराम राघवन फिल्म दर फिल्म महकते जा रहे हैं। पुरानी वाइन की तरह पूजा लाटा सोरती उनके इस सफर की परमानेंट हम सफर है। एक एडिटर और एक डायरेक्टर की इससे बेहतरीन जोड़ी शायद ही बिमल राय और ऋषिकेश मुखर्जी की ही रही होगी। सिनेमाघर ना क्या होता है ये श्रीराम राघवन से फिल्म स्कूल के बच्चे सीखते हैं। उनका सपना होता है मुंबई आने पर उनसे मिल भर लेने का और श्रीराम मिलते हैं तो कतई फिल्मी नहीं लगते। फिल्मी सितारों के इंटरव्यू करते करते वो फिल्म मेकर बने हैं। उनके हर फ्रेम में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो एक आम फिल्म दर्शकों को नजर नहीं आता लेकिन जो गुनी दर्शक है वो इसे पकड़ लेते हैं। 7 साल बाद जेल से छूटे शख्स की पहले आजाद रात की ये कहानी है और सुबह होते ही ये एक रात की प्रेम कहानी में तब्दील हो जाती है। पता नहीं पहली बार प्रपोज करने के लिए खरीदी गई एल्बर्ट की अंगूठी अभिशप्त है या फिर उसकी किस्मत ही खराब है लेकिन नियति को उसने स्वीकार कर लिया है। फिल्म मेरी क्रिसमस लोग देखने आएंगे विजय सेनापति की वजह से लेकिन जब फिल्म देखकर निकलेंगे तो याद रह जाएंगी कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ से श्रीराम राघवन ने उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ अभिनय करवाया है। अपने बॉयफ्रेंड के दोस्त से शादी करने वाली मारिया का ये किरदार एक माँ की लाचारी से उपजा है और अपनी बच्ची को अपने ही पति से बचाने की कोशिश में वो जो कुछ कर गुजरती है उसको देख कर दर्शक उसके साथ हो लेता है। कातिल ये यहाँ घृणा नहीं होने पाती और यही वजह है सेनापति के किरदार एल्बर्ट को रोजी से मारिया तक ले जाता है और दोनों के बीच का सामंजस्य फिल्म की अंतरधारा है। और फिल्म के क्लाइमैक्स में एल्बर्ट जो मारिया को अंगूठी पहनाने के बाद पुलिस थाने में ही समर्पण के अंदाज में बेंच पर जाकर बैठ जाता है तो उस दृश्य की कसक उन सारे दर्शकों को भीतर तक महसूस होगी जिन्होंने प्रेम का असली अर्थ जीवन में समझा है। तत् सुखे सुखे त्वत् और विजय सेनापति के अभिनय की यही जीत है। कहने को फिल्म मेरी क्रिसमस 2 घंटे 14 मिनट की एक सस्पेंस थ्रिलर है लेकिन एक निर्जीव टेडी बियर को लेकर भी एल्बर्ट के संवाद फिल्म में ठहकाने लगने के भी मौके तलाश लेती है। फिल्म के वन लाइनर बहुत ही शानदार लिखे गए हैं। पूरी फिल्म एक रात की कहानी है लिहाजा दर्शकों को ये आखिर तक बांधे रखती है। इसमें इसकी पटकथा और संपादन दोनों की जीत है। कलामतक निर्देशक चुस्त पटकथा सामान्य से सुनाई देने वाले लेकिन गहरे अर्थ वाले संवाद कैटरीना और विजय का शानदार अभिनय और साथ में अरिजीत और पापन की स्वर लहरिया फिल्मों को सुनवाई आनंद देने वाली कहानी बना देते हैं। फिल्म के सहायक कलाकारों में बच्ची बनी परी और पुलिस अफसरों के किरदार में विनय पाठक और प्रतिमा कन्नन कैटरिंग क
कारोबारी बने संजय कपूर और उनकी पत्नी के किरदार में अश्विनी कलसेकर ने बहुत बढ़िया काम किया है। और हाँ, राधिका आप्टे भी तो है। रोजी का उनका किरदार बहुत ही थोड़ी देर का है, लेकिन असल कैटलिस्ट फिल्म का वही तो है। गाना ही बस अभी आया था मेरा डंकी में, एक चलवे वतना नाम से, बट दिस इज अ फुल एल्बम और बहुत मजा आया। एक अलग दुनिया है इस फिल्म में जो आप देखेंगे जल्दी ही, और उस दुनिया में बहुत ही नैरेटिव ड्रिवन सॉन्ग्स हैं। कोई भी गाना फिल्म से जुदा नहीं है, फिल्म का हिस्सा है और फिल्म का नैरेटिव आगे बढ़ाता है। सो या आपका एक सवाल था, मैंने दो जवाब दे दिए, दूसरा सवाल अब कुछ समझ में क्या था। ये जो फिल्म की नैरेटिव की बात करें, द सॉन्ग दैट वी सॉ वाज ब्रिलियंट, इट डज गो फॉरवर्ड लाइक दैट। संजय जी, यू नो लोग ऑलवेज बोलते हैं कि जब फिल्में ऑडियंस आती ना, या तो स्टार के लिए आएगी या स्केल के लिए। आजकल स्केल बड़ा अच्छा शब्द यूज करते हैं हम, बचपन में तो सिर्फ वो स्केल होता था, हाउ बिग इज द फिल्म, नहीं तो कॉन्सेप्ट होता है। एज अ प्रोड्यूसर आपको क्या पसंद है, मतलब व्हाट इज इट दैट यू लुक फॉर जब आप यस कर जाते हैं पिक्चर के लिए? कॉन्टेंट, ओके, एंड द मेकर। जी, श्रीराम और मेरी ये तीसरी फिल्म है साथ में, जॉनी गद्दार, अंधाधुन एंड मैरी क्रिसमस। व्हाट अ ट्रैक रिकॉर्ड सर, फैंटास्टिक। आई मीन, तो देन यू मस्ट बी लिटिल स्केयर्ड आल्सो, कि क्या उस, बिकॉज यहाँ पे कंपैरिजन में आधी दुनिया मर जाती है, तो डू यू हैव दैट कंपैरिजन इन योर हेड आल्सो, कि ये उसके जैसे हो, क्रिटिकली क्लेम्ड हो वगैरह? यू नो, हमारे साथ श्री राम है, वो एकदम हमेशा आपको जमीन पे रखता है। सो इट वर्क्स वेरी वेल। रमेश जी, डू यू एवर गेट स्ट्रेस्ड? मैंने आपको लाइफ में कभी स्ट्रेस करते हुए नहीं देखा है। आप बड़ी फिल्में बनाते हैं, ब्यूटीफुल फिल्में बनाते हैं, कॉन्सेप्ट फिल्में बनाते हैं, यू नो एज अ प्रोड्यूसर आपके लिए क्या चीज होती है कि ओके आई विल पिक दिस इज एक्साइटिंग मी? डेफिनेटली स्टोरी तो है पहली थिंग, और श्रीराम हमेशा अपनी नरेशन 15 मिनट में ही सुनाते हैं। इवन एक टाइम पे तो मैं अंधाधुन का भी पार्ट होने वाला था, लेकिन वो हमने, इनको भी मालूम है, वो जर्नी सब हीरो को सुनाई, किसी को 15 मिनट में समझ नहीं आई। बाद में रिलीज होने के बाद हर एक्टर का फोन आया, हमको करनी है ये पिक्चर। सर, 6 साल से अभी तक लोग लास्ट सीन देख रहे हैं कि क्या हुआ है लास्ट सीन में, 15 मिनट कैसे समझेंगे? श्रीराम इज ही नोज हिज जॉब वेल, और जो भी उन्होंने पिक्चरें बनाई, मैं तो समझता हूँ एक हसीना थी से लेके जॉनी गद्दार से लेके जितनी भी पिक्चरें बनाई, सब बहुत अच्छी पिक्चरें बनाई। और एक बहुत अच्छी थ्रिलर की जो एक होती है ना, जो ऑडियंस को कॉन्फिडेंस में लेके आप थ्रिलर बनाओ, तो दैट्स अ वेरी गुड, आई थिंक ऐसा डायरेक्टर और कोई नहीं है हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, दैट्स ओनली श्रीराम। आई एग्री विद दैट। पूजा जी, व्हेन यू आर सिटिंग एंड डिसाइडिंग लाइक दिस 15 मिनट नरेशन, you are also there, you are writing it and making sure the twists and turns are fantastic, are you worried this 15 minutes should sometimes when you look at an actor says thoda 40 minutes kar denge, so to explain a little bit more? No, I think it's a very organic, Shiram is trying to, when you're asking about narrating to actors, true, the idea is to give them a sense of what the movie is, more a holistic sense of the movie rather than the twists and turns, ab iske baad ye hua, iske baad wo hua, इस तरह का नरेशन श्रीराम करते नहीं हैं। आई थिंक एज फार एज द राइटिंग इज कंसर्न, वी टेंड टू राइट इन डिटेल एंड देन अ वर्जन ऑफ इट इज नरेटेड एंड देन अ वर्जन ऑफ इट इज शॉर्ट, दैट इज वेयर द डिटेल्स कम इन रियली। सो आई डोंट, ऐसा तो कभी नहीं कि अच्छा थोड़ा और बता देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक ही पुट्स ऑल हिज कार्ड्स ऑन द टेबल, ही सेज दीज आर द कैरेक्टर्स, ऑल द एक्टर्स हु कम इन kind of know what they are signing up for, so I think it works. Shriyam sir, is narration the most important, is it like the closure? when you say that there's an investment banker has to go and close the deal, can you mess up a really good script with a very bad narration with a big actor? Do you think that's ever happened? See, sometimes that's happened to me also, like, you know, that they are not probably saying it properly and so on. So, but I feel a good story you can't narrate badly really. No, and खराब स्टोरी होगा तो बहुत ड्रामा करके भी वो नरेशन फेक लगता है, वो आप सुन भी नहीं रहे। नहीं भाई, उनको बोल रहा था। It works. You heard what? You heard me. Yeah, I had this in my ear also. So right now I'm starting like a pilot. So what I'm saying is कि I narrate because on the it's like talking to the actors also, you can see his or her face and you know इधर मजा आ रहा है, इधर नहीं आ रहा है, kind of a thing, you know. Once it also happened कि when I was narrating Johnny Gadar to Rimi Sen and I was narrating in detail. तो इतना मैं डील में बोल रहा कि आई कुड सी शी इज ट्राइंग टू स्टॉप अ यॉन, तो मैं बोला एक मिनट में आता हूँ, पानी पी के आता हूँ, गिव अ टाइम, यू नो, सो वो भी करना पड़ता है। हाउ वाज द रिस्पांस विद द टू ऑफ देम व्हेन यू वर नरेटिंग? एक्चुअली कैटरीना, लेट्स आस्क यू, हाउ वाज दिस? नो, श्रीराम सर, वी रेयरली गेट टू हियर हिम टॉक, दिस इज वेरी एंटरटेनिंग फॉर मी। या
He doesn't talk much on set at all. I'm watching. So this is very entertaining for me. We actually do come back. So was it tough to narrate or was it like an immediate? See, there has to be, you're an ISI stamp also. No, it's not difficult. In fact, to Vijay, I narrated on Zoom. One sec, yeah, I think the mic's off. One sec. Mic on? Yeah. वो विजय को मैंने ज़ूम में नरेट किया था. ही वाज इन चेन्नई तो मैंने नरेट किया और बस ही एंजॉयड द थिंग. इट वाज अबाउट 15 मिनट इज समटाइम्स इज फ्लेक्सिबल. आई थॉट दिस मूवी इज गोइंग टू बी 90 मिनट्स विदाउट इंटरवल, लेकिन इसमें इंटरवल है. अच्छा, थिएटर ओनर्स विल बी वेरी हैप्पी. आई थिंक वी गेट मोर शोज आल्सो. गिरीश, गुड टू सी यू. इट्स बीन अ व्हाइल. यू नो, व्हेनेवर यू सी लाइक अ ट्रेलर आउट देयर, अंदर से एक आवाज निकलती. यू आर पार्ट ऑफ द फैमिली. यू योरसेल्फ कम ऑन स्क्रीन आल्सो. व्हेन यू सी अ फिल्म आउट देयर, Papa, it's nice. It works well. Does that come out from, you know, your instincts of the Torani Parivar? That's like, you know, how I wake up in the morning? Bahut acha hai. It's an innate answer. And are you allowed to say, I didn't like it a little bit? In private, yes. Okay. But I think if you see our track record, yeah, coming from, as Sanjay sir said, Ozar and The Race, we made Jab Pyar Kisi Se Hota Hai, so many films. Yeah. Over the course of our life story of our tips, yeah, I think we have a knack, and touchwood, we have one of the best success ratios in terms of hit films. Yeah. Touchwood, that's been working for us, and I think with good team members, good cast and crew, it's all cherry on the cake. Yeah, this one's going to have both sides, man. Critical acclaim as well as commercial success. Kewal ji, aap jab film mein entry maarte hain, jo film ke product khatam hone ke baad, आपका कोई इसमें ओपिनियन चल रहा होता है या सिर्फ बॉक्स ऑफिस दिखा रहे हैं? वेरी गुड, बॉक्स ऑफिस अच्छा चलेगा, वही चलना चाहिए, प्रोड्यूसर को यही लिखना चाहिए. हैप्पी न्यू ईयर. मैं डिफरेंट फील्ड से हूँ, आई एम नॉट फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री. मेरा बड़ा बचपन से ख्वाब था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में आऊँ, कुछ अच्छा करूँ. संजय रोत्रे का मैं थैंक्स करता हूँ जो मुझे इसमें लेकर आए, और राघवंश के साथ मुझे काम करने का मौका मिला. मैं 2 फिल्म में प्रोड्यूसर हूँ, अंधाधुन में और मैरी क्रिसमस. सर आपको तो बॉक्स ऑफिस बहुत इजीली पता है सर. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज वेरी हाई, इट वर्क्स. जस्ट बिफोर आई ओपन आउट टू द पब्लिक एज वेल, क्रिटिक, आई एम गोना आस्क यू दिस. यू नो, व्हेनेवर यू आर आउट देयर इन द मिडल ऑफ द फिल्म एंड यू आर सीइंग इट अनरैवल, दिस वन इज अ लॉट ऑफ वन ऑन वन, वुड यू, यू नो, डज इट, कैन यू गेट लाइक अ लिटिल बिट स्टक एंड से दैट, यू नो, शुड आई ओनली लिसन टू श्रीराम सर, और यू नो यू आर सीइंग देयर इज अ लॉट दैट कैन हैपन, बिकॉज आई हैव हर्ड दैट यू आर सुपर्बली रिहर्स्ड, परफेक्ट ऑन टाइम. As far as your dialogues are concerned, the script is concerned, all that is concerned, this is so much a one-on-one relationship between you and Vijay out there. Do you prefer this kind of, sometimes, you know, this kind of cinema that comes out, that you'll say, ah, I'm really happy with this, a big thumbs up to this kind of cinema, as compared to, say, magnum opus, you know, which is anyway going to work? Like when you have a one-on-one film like this, you know, would you prefer this kind of cinema, like more, you know, like say on a, you know, when you're intimate. Yeah. Rather than like say magnum opus all the time, which you're more, where people are more accustomed to watching with you. I think that as an actor, you're looking to tell a story and be part of a story which is really interesting. And for me, Merry Christmas ticked all those boxes. It was a really, really unique journey, a unique story about 2 fascinating characters. And the minute I heard it, I was hooked. I'm not observing or I'm not calculating. That goes into calculating. Of course, there are high octane, you know, big action drama films, and that's wonderful. That's a certain type of cinema. But there are also more intimate, unique stories to be told, and that story has to be told at a scale that is suitable for that particular kahani. And I think, and for an actor to be able to do both is what we're supposed to be doing and what I personally enjoy doing. And like I said, for me, this was a Shriram Raghavan film that I thought had a fantastic story, and I was excited to be part of the journey. It was a very interesting journey, actually. There's many parts of the journey that even Sir has not shared yet. There were many twists and turns, even in the journey of making shooting of it. Yeah. Even before we got on set, it had a lot of had a life of its own, and when it finally kind of landed up as me and Vijay being in the film, the first day of kind of interaction for me was very fascinating. The minute I heard Vijay describe and talk about a scene, I instantly realized, okay, this is a person who sees things in such a unique way that I can never see a scene in that way.
And for me, that was really exciting, to be able to come together and work with people who very evidently see things completely different to the way I would have a take on something. And for all three of us to come together, and Sir does a lot of rehearsals, and we would do the workshop on the actual set for about, I think it was a week before we started shoot. And they were, I was always like, so Sir, when do we start? There was no commitment of when we start. We'll start when it's ready, when he's feeling it. And I think that process was very unique for me as an actor, and extremely, it was extremely magical, I think, to be able to have been a part of this process of Merry Christmas. Yeah, this one's nice on the report card of your own also, you know, that you've done. But you were very true about him looking at it in a very unique way. He mentioned about the elephant, but not once did he say the gray color. It was red or green. So I realized when you were talking about the elephant also, from the director's perspective also, it's green, yours is red. We would have all thought one option should have been the gray color. So when she was saying that you see things very differently, I do agree that you see things very differently. One last question, Shriram sir, before I open out. When you make a whodunit, or you make like this twists and turns, that's what we assume with a film like this. When you see the final cut, can you have the itch to change few things? We say, this is not come out exactly as I thought. Have you had that in the past with your films also? Because they always have these turns. No, if we keep watching the film, we even show it to a few friends and colleagues who are like, you know, who will be able to tell us the truth. So by the time it's ready, I mean, the final cut is only when we are happy. I mean, so that way there's no issue. And were you, but like when we go back to Andhadhun also, we're shocked at the number of turns. Even this film will have so many turns. Are you able to shock the audience in this case that is watching it for the first time? Well, about this film, I won't talk now, but let them watch and let them see. But what I'm saying is, when you watch a thriller or a film like this, na, the audience is very engaged and they are making up their own story. They are trying to say, okay, ab ye hoga, ab ye hoga. Now, how much you can subvert that, how much you can sort of give them a surprise within, they're also writing their own script while the movie is on. So that is the fun, I think, you know. I think it worked well. We'll open out to the audience, and we've got a mic that is actually, yeah, right there, please. Hi, everyone. Happy New Year. My question is for Katrina, and I'm... Thank you.
श्रीराम का बेहतरीन तोहफा कैटरीना विजय की दमदार जुगल बिंदी। रात जितनी हसीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी, किसी फिल्म के पोस्टर पर ये लाइन पढ़ने और पोस्टर पर कैटरीना कैफ जैसी खूबसूरत महिला की तस्वीर देखने के बाद भी अगर साथ में निर्देशक श्रीराम राघवन लिखा हो तो दर्शक फिल्म को लेकर कोई ख्याल पकाना भी चाहे तो नहीं पका सकता। यही श्रीराम का सिनेमा है। फिल्म इफ्तार में निर्देशक मुकुल आनंद के सहायक के तौर पर शुरू हुआ उनका फिल्म सफर अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां उनकी फिल्मों के लिए दर्शक दम साथ कर इंतजार करते हैं। श्रीराम की पिछली फिल्म अंधाधुन को रिलीज हुए 5 साल हुए हैं। इसे बनाने वाली कंपनी वायकॉम 18 ने उससे पैसे भी अंधाधुन कमाए हैं और अब बारी टिप्स म्यूजिक कंपनी की है। रमेश तेरानी के लिए ये फिल्म उनकी कंपनी की नई ब्रांडिंग है। टिप्स की पिछली फिल्में रेस 3, भूत पुलिस और गैसलाइट रही है। उनका हाल सबको पता है। ताजा हाल ये है कि मैरी क्रिसमस के सिनेमाघरों तक पहुंचने से पहले ही टिप्स के शेयरों में 5% से ज्यादा का उछाल बीते दिन दर्ज किया गया है। श्रीराम राघवन की फिल्में अगर ध्यान से देखेंगे तो उनकी फिल्मों की कहानी का केंद्र बिंदु हमेशा से एक महिला ही रही है। हीरो फिल्म की कहानी की सजावट के तौर पर इस्तेमाल होता है, यहाँ भी वैसा ही कुछ है। कैटरीना कैफ और श्रीराम राघवन ने उनके अब तक के बेहतरीन किरदार में पेश किया गया है। मारिया का ये किरदार कैटरीना के लिए उनकी शादी के बाद की दूसरी पारी का वो स्प्रिंग बोर्ड है जिस पर से छलांग लगाकर अब वो अभी भी कुछ साल और तैर सकती है। फिल्म मेरी क्रिसमस सस्पेंस के शौकीनों की फिल्म है। मसाला इसमें भी भरपूर है लेकिन ये डिश बन मस्का जैसी है। इसका असली मजा ईरानी चाय के साथ ही लिया जा सकता है। मुंबई जब बम्बई हुआ करता था वाले दिनों की इस कहानी में मोबाइल नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है और अपराध परी भी नहीं है। एक महीने भर की प्लानिंग से होने वाला मर्डर है और दूसरा बस फटाक से हो गया कत्ल। दोनों का सूत्र एक ही है। दोनों जगह मामला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी है। श्रीराम और उनकी लेखन टीम ने सब कुछ हाथ से बुने गए स्वेटर जैसा गढ़ा है और इसकी कढ़ाई भी बहुत ही नफीस रखी है। बतौर निर्देशक श्रीराम राघवन फिल्म दर फिल्म महकते जा रहे हैं पुरानी वाइन की तरह। पूजा लाटा सूरती उनके इस सफर की परमानेंट हम सफर है। एक एडिटर और एक डायरेक्टर की इससे बेहतरीन जोड़ी शायद ही बिमल राय और ऋषिकेश मुखर्जी की ही रही होगी। सिनेमाघर ना क्या होता है ये श्रीराम राघवन से फिल्म स्कूल के बच्चे सीखते हैं। उनका सपना होता है मुंबई आने पर उनसे मिल भर लेने का और श्रीराम मिलते हैं तो कतई फिल्मी नहीं लगते। फिल्मी सितारों के इंटरव्यू करते करते वो फिल्ममेकर बने हैं। उनके हर फ्रेम में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो एक आम फिल्म दर्शकों को नजर नहीं आता लेकिन जो गुनी दर्शक है वो इसे पकड़ लेते हैं। 7 साल बाद जेल से छूटे शख्स की पहली आजाद रात की ये कहानी है और सुबह होते ही ये एक रात की प्रेम कहानी में तब्दील हो जाती है। पता नहीं पहली बार प्रपोज करने के लिए खरीदी गई एल्बर्ट की अंगूठी अभिशप्त है या फिर उसकी किस्मत ही खराब है लेकिन नियति को उसने स्वीकार कर लिया है। फिल्म मेरी क्रिसमस लोग देखने आएंगे विजय सेनापति की वजह से लेकिन जब फिल्म देखकर निकलेंगे तो याद रह जाएंगी कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ से श्रीराम राघवन ने उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ अभिनय करवाया है। अपने बॉयफ्रेंड के दोस्त से शादी करने वाली मारिया का ये किरदार एक माँ की लाचारी से उपजा है और अपनी बच्ची को अपने ही पति से बचाने की कोशिश में वो जो कुछ कर गुजरती है उसको देख कर दर्शक उसके साथ हो लेता है। कातिल ये यहाँ घृणा नहीं होने पाती और यही वजह है सेनापति के किरदार एल्बर्ट को रोजी से मारिया तक ले जाता है और दोनों के बीच का सामंजस्य फिल्म की अंतरधारा है। और फिल्म के क्लाइमैक्स में एल्बर्ट जो मारिया को अंगूठी पहनाने के बाद पुलिस थाने में ही समर्पण के अंदाज में बेंच पर जाकर बैठ जाता है तो उस दृश्य की कसक उन सारे दर्शकों को भीतर तक महसूस होगी जिन्होंने प्रेम का असली अर्थ जीवन में समझा है। तत् सुखे सुखित्वत् और विजय सेनापति के अभिनय की यही जीत है। कहने को फिल्म मेरी क्रिसमस 2 घंटे 14 मिनट की एक सस्पेंस थ्रिलर है लेकिन एक निर्जीव टेडी बेयर को लेकर भी एल्बर्ट के संवाद फिल्म में ठहकाने लगने के भी मौके तलाश लेती है।
फिल्म के वन लाइनर बहुत ही शानदार लिखे गए हैं। पूरी फिल्म एक रात की कहानी है, लिहाजा दर्शकों को ये आखिर तक बांधे रखती है। इसमें इसकी पटकथा और संपादन दोनों की जीत है। कलात्मक निर्देशक चुस्त पटकथा, सामान्य से सुनाई देने वाले लेकिन गहरे अर्थ वाले संवाद, कैटरीना और विजय का शानदार अभिनय और साथ में अरिजीत और पापन की स्वर लहरिया फिल्मों को सिनेमाई आनंद देने वाली कहानी बना देते हैं। फिल्म के सहायक कलाकारों में बच्ची बनी परी और पुलिस अफसरों के किरदार में विनय पाठक और प्रतिमा कर्णन, कैटरिंग कारोबारी बने संजय कपूर और उनकी पत्नी के किरदार में अश्विनी कलसेकर ने बहुत बढ़िया काम किया है। और हाँ, राधिका आप्टे भी तो है। रोजी का उनका किरदार बहुत ही थोड़ी देर का है, लेकिन असल कैटलिस्ट फिल्म का वही तो है। सस्पेंस फिल्मों के शौकीनों को श्रीराम का बेहतरीन तोहफा, कैटरीना विजय की दमदार जुगलबंदी। रात जितनी हसीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी। किसी फिल्म के पोस्टर पर ये लाइन पढ़ने और पोस्टर पर कैटरीना कैफ जैसी खूबसूरत महिला की तस्वीर देखने के बाद भी अगर साथ में निर्देशक श्रीराम राघवन लिखा हो तो दर्शक फिल्म को लेकर कोई ख्याल पकाना भी चाहे तो नहीं पका सकता। यही श्रीराम का सिनेमा है। फिल्म इफ्तार में निर्देशक मुकुल आनंद के सहायक के तौर पर शुरू हुआ उनका फिल्म सफर अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां उनकी फिल्मों के लिए दर्शक दम साथ कर इंतजार करते हैं। श्रीराम की पिछली फिल्म अंधाधुन को रिलीज हुए 5 साल हुए हैं। इसे बनाने वाली कंपनी वायकॉम 18 ने उससे पैसे भी अंधाधुन कमाए हैं और अब बारी टिप्स म्यूजिक कंपनी की है। रमेश तेरानी के लिए ये फिल्म उनकी कंपनी की नई ब्रांडिंग है। टिप्स की पिछली फिल्में रेस 3, भूत पुलिस और गैसलाइट रही है। उनका हाल सबको पता है। ताजा हाल ये है कि मैरी क्रिसमस के सिनेमाघरों तक पहुंचने से पहले ही टिप्स के शेयरों में 5% से ज्यादा का उछाल बीते दिन दर्ज किया गया है। श्रीराम राघवन की फिल्में अगर ध्यान से देखेंगे तो उनकी फिल्मों की कहानी का केंद्र बिंदु हमेशा से एक महिला ही रही है। हीरो फिल्म की कहानी की सजावट के तौर पर इस्तेमाल होता है, यहाँ भी वैसा ही कुछ है। कैटरीना कैफ और श्रीराम राघवन ने उनके अब तक के बेहतरीन किरदार में पेश किया गया है। मारिया का ये किरदार कैटरीना के लिए उनकी शादी के बाद की दूसरी पारी का वो स्प्रिंग बोर्ड है जिस पर से छलांग लगाकर अब वो अभी भी कुछ साल और तैर सकती है। फिल्म मेरी क्रिसमस सस्पेंस के शौकीनों की फिल्म है। मसाला इसमें भी भरपूर है, लेकिन ये डिश बन मस्का जैसी है। इसका असली मजा ईरानी चाय के साथ ही लिया जा सकता है। मुंबई जब बम्बई हुआ करता था वाले दिनों की इस कहानी में मोबाइल नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है और अफरात फरी भी नहीं है। एक महीने भर की प्लानिंग से होने वाला मर्डर है और दूसरा बस फटाक से हो गया कत्ल। दोनों का सूत्र एक ही है, दोनों जगह मामला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी है। श्रीराम और उनकी लेखन टीम ने सब कुछ हाथ से बुने गए स्वेटर जैसा गढ़ा है और इसकी कढ़ाई भी बहुत ही नफीस रखी है। बतौर निर्देशक श्रीराम राघवन फिल्म दर फिल्म महकते जा रहे हैं पुरानी वाइन की तरह। पूजा लाटा सूरती उनके इस सफर की परमानेंट हम सफर है। एक एडिटर और एक डायरेक्टर की इससे बेहतरीन जोड़ी शायद ही बिमल राय और ऋषिकेश मुखर्जी की ही रही होगी। सिनेमाघर ना क्या होता है ये श्रीराम राघवन से फिल्म स्कूल के बच्चे सीखते हैं। उनका सपना होता है मुंबई आने पर उनसे मिल भर लेने का और श्रीराम मिलते हैं तो कतई फिल्मी नहीं लगते। फिल्मी सितारों के इंटरव्यू करते करते वो फिल्म मेकर बने हैं। उनके हर फ्रेम में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो एक आम फिल्म दर्शकों को नजर नहीं आता, लेकिन जो गुनी दर्शक है वो इसे पकड़ लेते हैं। 7 साल बाद जेल से छूटे शख्स की पहले आजाद रात की ये कहानी है और सुबह होते ही ये एक रात की प्रेम कहानी में तब्दील हो जाती है। पता नहीं पहली बार प्रपोज करने के लिए खरीदी गई एल्बर्ट की अंगूठी अभिशप्त है या फिर उसकी किस्मत ही खराब है, लेकिन नियति को उसने स्वीकार कर लिया है। फिल्म मेरी क्रिसमस लोग देखने आएंगे विजय सेनापति की वजह से, लेकिन जब फिल्म देखकर निकलेंगे तो याद रह जाएंगी कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ से श्रीराम राघवन ने उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ अभिनय करवाया है। अपने बॉयफ्रेंड के दोस्त से शादी करने वाली मारिया का ये किरदार एक माँ की लाचारी से उपजा है और अपनी बच्ची को अपने ही पति से बचाने की कोशिश में वो जो कुछ कर गुजरती है उसको देखकर दर्शक उसके साथ हो लेता है। कातिल ये यहाँ घृणा नहीं होने पाती।
और यही वजह है सेनापति के किरदार एल्बर्ट को रोजी से मारिया तक ले जाता है और दोनों के बीच का सामंजस्य फिल्म की अंतरधारा है। और फिल्म के क्लाइमैक्स में एल्बर्ट जो मारिया को अंगूठी पहनाने के बाद पुलिस थाने में ही समर्पण के अंदाज में बेंच पर जाकर बैठ जाता है, तो उस दृश्य की कसक उन सारे दर्शकों को भीतर तक महसूस होगी जिन्होंने प्रेम का असली अर्थ जीवन में समझा है, तत् सुखे सुखे त्वत। और विजय सेनापति के अभिनय की यही जीत है। कहने को फिल्म मेरी क्रिसमस 2 घंटे 14 मिनट की एक सस्पेंस थ्रिलर है, लेकिन एक निर्जीव टेडी बियर को लेकर भी एल्बर्ट के संवाद फिल्म में ठहकाने लगने के भी मौके तलाश लेती है। फिल्म के वन लाइनर बहुत ही शानदार लिखे गए हैं। पूरी फिल्म एक रात की कहानी है, लिहाजा दर्शकों को ये आखिर तक बांधे रखती है। इसमें इसकी पटकथा और संपादन दोनों की जीत है। कलामतक निर्देशक जिस पटकथा सामान्य से सुनाई देने वाले लेकिन गहरे अर्थ वाले संवाद, कैटरीना और विजय का शानदार अभिनय और साथ में अरिजीत और पापन की स्वर लहरिया फिल्मों को सिनेमाई आनंद देने वाली कहानी बना देते हैं। फिल्म के सहायक कलाकारों में बच्ची बनी परी और पुलिस अफसरों के किरदार में विनय पाठक और प्रतिमा कन्नन, कैटरिंग कारोबारी बने संजय कपूर और उनकी पत्नी के किरदार में अश्विनी कलसेकर ने बहुत बढ़िया काम किया है। और हाँ, राधिका आप्टे भी तो है। रोजी का उनका किरदार बहुत ही थोड़ी देर का है, लेकिन असल कैटलिस्ट फिल्म का वही तो है।